सारी काम जी। अच्छा आपका मैंने चेक नहीं किया, सॉरी यार आपका मैं चेक करना भूल गया, आपका मैंने चेक नहीं किया। हाँ मैंने दो लोगों का चेक कर लिया था, आपका नहीं किया, उन दोनों का तो चला नहीं भाई। दबे वेल डन यार, देखो ये करना था, इसमें इनर एचटीएमएल का यूज़ तो नहीं किया आपने, ठीक है डॉम के मेथड से किया होगा होपफुली। ये कोड है, हाँ इनका कोड थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा वैसे होना नहीं चाहिए था। नहीं थोड़ा जितना होना चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे देखने में कोड ना। लूप में हुआ हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा खासा है, इतना ज़्यादा वैसे होना नहीं था कोड ये। अभी मैं भी बहरहाल करता हूँ, दो लूप चल रहा है, एक इसके लिए चल रहा है और एक ये नीचे वाले के लिए चल रहा है, दो लूप चल रहे हैं इसके अंदर और ये तीसरा बगैर लूप के हुआ हुआ है। वेल डन यार, बहुत अच्छा बनाया आपने, पहले तो क्लैपिंग हो जाए इसके लिए यार। अच्छा मैं थोड़ा सा ना आपको अब अभी कर देता हूँ, एक मिनट पहले तो मैं ये इसका यार एक ही तो लाइट जल रही है, बाकी तो बंद है सारी, उस तरफ वाली जला था। नहीं मैं जूम इन करूँगा ना, ये तो मैंने जूम आउट किया था। हाँ भाई अब सही है, अब सही है दिख रहा है। अच्छा ये मैं इसको ना ओपन कर लेता हूँ कॉपी पाथ और ये सारा बंद करके, ये ना मैंने इसको ओपन कर लिया। अच्छा अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो दिख रहा है मुझे, हाँ इसको इसका वो चेंज करना पड़ेगा मुझे। क्या लगाएंगे इसको चेंज करने के लिए? बैकग्राउंड इमेज अभी मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है, हाँ बैकग्राउंड साइज सही है। इसमें कंटेन कवर और ऑटो आ रहा है, ठीक है तो हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है तो ये मेरे बैकग्राउंड सेट हो गया। अच्छा इसको मैं रिपीट भी लगा सकता हूँ कि अगर छोटी, अभी तो ये पेज बड़ी है, अगर छोटी होती तो मैं रिपीट वगैरह भी इसमें लगा सकता था इसको सही करने के लिए। अच्छा तो ये मैंने बैकग्राउंड कौन सा ले लिया? उसी का ही ले लिया जो एक दूसरी ऐप में बनाया हुआ था, उसने बैकग्राउंड लगाया हुआ, क्योंकि ये बैकग्राउंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ टॉप के ऊपर ना इस जगह पर। अब मुझे बनाना है क्या भला, मुझे कार्ड दिखाने हैं, जितने भी कार्ड मेरे पास आ रहे हैं ना उसको यूं दिखाना है स्क्रॉलेबल। अच्छा तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा उसके लिए बताओ, जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या करूं मैं? एक ऐसा डिव बना लूंगा मैं जो क्या होगा उसके अंदर आइटम हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल होंगे, ठीक है ऐसा एक डिव बनाऊंगा मैं। एक डिव बना लिया मैंने, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने क्लास दे दी के फॉरकास्ट डिव, ठीक है फॉरकास्ट डिव इसको मैंने नाम दे दिया, इसको क्लास दे दी इसको। उसके बाद मैंने एक और डिव बनाया जो इसके अंदर क्या होगा, जो इसके अंदर का आइटम होगा असल में, ठीक है पहले तो मुझे यूआई तो एचटीएमएल से बनानी है ना, वरना मुझे पता कैसे चलेगा क्रिएट एलिमेंट करूँ क्या, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। पहले तो मैं यूआई एक बार बना लूँगा ना एचटीएमएल में ताकि मुझे पता होगा इसके अंदर ये डिव बनानी है उसमें ये क्लास लगानी है और फिर वो रिपीट हो रही होगी, तो ये ज़्यादा आसान तरीका होगा। ठीक है सब लोग देख रहे हैं इस तरफ, अच्छा देखते जाओ मैं भी कोई मिस्टेक करूँ तो मुझे बताना। अच्छा मैंने कह दिया कि फॉरकास्ट कार्ड, ठीक है फॉरकास्ट कार्ड इसको मैंने कह दिया। अच्छा अब ये जो कार्ड है इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, तीन चीज़ एटलीस्ट मुझे तीन चीज़ें चाहिए ना, वो वाला खोल लेते हैं ना जो भेजा था किसी ने, ये इसमें देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। तो नंबर एक मुझे चाहिए डे का नाम, कि ट्यूसडे मंडे जो भी होता है वो मुझे एक नाम चाहिए। ये वाला कार्ड फिलहाल हम बना रहे हैं, ठीक है ये ऊपर वाली चीज़ें फिलहाल हम छोड़ देते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ट्यूसडे, उसके बाद एक इमेज और उसके बाद नाइट में और डे में, यानी मिनिमम और मैक्सिमम क्या होने वाला है, ये हम तीन चीज़ बना लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, एक डिव चाहिए होगा
जिसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा कि भाई आज ट्यूसडे है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, एक डिफ चाहिए होगा जिसका मैं टेक्स्ट थोड़ा बड़ा करूंगा और मैं उसके साथ सॉरी इमेज होगा, यहाँ पे एक इमेज है उसके बाद आईएमजी है, और आईएमजी के अंदर मैंने क्या लगा लेना है कि क्लाउड है या जो भी है वो मुझे फोरकास्ट के साथ एक नाम भी आता है इमेज का, वो मुझे भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं वो लगा दूंगा यहाँ पे। फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, यहीं से इनका जो ये है ना इमेज, वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, और उठा के क्या करता हूँ अपने पास इधर स्टोर कर लेता हूँ अपने फोल्डर में, ठीक है। तो जो भी इस इमेज का नाम था मैं फिलहाल इसमें वो नाम लगा देता हूँ डायरेक्ट स्लैश आईएमजी स्लैश इमेज का नाम। मैं इसको आईएमजी का फोल्डर बना के ना इस इमेज को उसके अंदर कर देता हूँ, क्योंकि इमेज को कभी भी रूट पे नहीं छोड़ा जाता है, हमेशा इसको फोल्डर के अंदर रखा जाता है, ठीक है। अभी तक ज़रा देख लेते हैं हमारा क्या बन चुका है। ये उसकी ऐप है, ये हमारी ऐप है, राइट। तो अभी तक हमारे पास ये छोटा सा बन चुका है साइड पर। अच्छा, इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो मैंने कहा कि मिन, और साथ में मैंने कहा कि यार 20, और एक मैंने कहा मैक्स, ठीक है। अच्छा, इसको भी मैं कोई क्लास दे दूंगा तीनों को, ताकि क्लास में इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूँ, राइट। हाँ, अभी तो मैं यूआई बना रहा हूँ ना, डॉम से क्रिएट करूँगा वो बाद में करूँगा ना, पहले यूआई बना तो लूँ, पता तो हो कि होगी कैसी। तुम मेरे ख्याल है डायरेक्ट ही डॉम से शुरू हो गए थे, मे बी डायरेक्ट डॉम से, कैसे आपको इतना थोड़ी ना आपका आईक्यू तेज होता है कि नहीं, यूआई बनाना है खुद से पहले ना यार, ये मैं बना के उसको मैं कमेंट कर दूंगा, फिर मुझे पता होगा कि अच्छा एक डिव है, उसके अंदर एक दूसरा डिव है, फलां डिव पे फलां क्लास है, फलां डिव पे, वो तो ऑटोमेटिक वैसे ही बनेगा फिर वो। हाँ, तो यही करना है, अभी करते हैं, देखते हैं क्या रिपोर्ट है इसकी फिर। अच्छा, फॉरकास्ट कार्ड हो गया, फॉरकास्ट डिव हो गया। अच्छा, इसके अंदर क्या लगा दिया मैंने, क्लास डे, ठीक है। उसके बाद क्लास टाइम को क्या हुआ, अबे भाई एक घंटा है अभी हमारे पास, सही है। चारों को मैंने एक एक क्लास दे दी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको रिफ्रेश किया मैंने, ये देखो बना हुआ आ गया यहाँ पे। अब मुझे इसको क्या देना है, मुझे इस फोरकास्ट कार्ड के ऊपर इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, इसको एक कार्ड बनाना है बाकायदा, और इसको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल करना है। तो ये अब इसका कोई जुगाड़ देखते हैं, इसका क्या जुगाड़ होगा कि मैं स्टाइल के टैग में जाऊंगा, और स्टाइल के टैग में जाने के मैं बोलूँगा डॉट फॉरकास्ट कार्ड, ठीक है। फॉरकास्ट कार्ड को मैं क्या बोलूँगा कि तुम हो जाओ क्या भला फ्लैग, पहले तो उसको मैं दो तीन बना दूँ ना लाइन से, ताकि वो फील भी कराए, मैंने तीन बना दिए नीचे। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, हाँ फॉरकास्ट डिव होगा, पहले सही कह रहे हो, सही है। मैं इसीलिए कह रहा था, मुझे देखते रहो, मैं कोई गलती करूँ तो मुझे बताना। तो फॉरकास्ट डिव जो है अभी वो कैसे डिस्प्ले हो रही है, अगर मैं उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखना चाहूँ, ये मेरी फॉरकास्ट डिव है इस वक्त, और ये आइटम को ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ कर रही है। हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट से राइट की तरफ करना है। तो इसके लिए फ्लैक्स बॉक्स हम कर देते हैं इसको, क्योंकि लेआउट हम किससे कर रहे हैं इस क्लास में, हम फ्लैक्स बॉक्स से कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला भाईजान आप हो जाओ डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाओ, ठीक है। रिफ्रेश किया, ऐसे हो गया, मेरी मर्ज़ी से हो गया सीधा सीधा। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे इस फॉरकास्ट डिव में क्या चाहिए, बॉर्डर, बॉर्डर चाहिए, ठीक है। बॉर्डर मैंने कह दिया 1 पिक्सल हो जाओ आप, और सॉलिड ब्लैक हो जाओ, ठीक है। तो ये कुछ बॉर्डर आ गया इसके ऊपर। अब ये बॉर्डर मुझे कैसा चाहिए, ये मुझे बॉर्डर जाहिर है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड मिक्स हो रहा है ना, नहीं एक काम करते हैं इस पर बॉर्डर नहीं देते हैं, इसको रखते हैं ट्रांसपेरेंट, कार्ड को बनाते हैं ग्लास वाला। ग्लास कैसे बनता है, अच्छा तो पहले इसको मैं एक हाइट दे देता हूँ, काइंड ऑफ हाइट देने की जरूरत है क्या मुझे इसको, नहीं वो मैं स्क्रॉल लगा दूंगा ना ऐसे, इस तरफ स्क्रॉल हो जाए। अभी ये बॉक्स स्क्रॉलेबल नहीं है, राइट। अभी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई मारूँ ना, ये जो मेरे पास नीचे बना हुआ आइटम,
अगर मैं इसको ज़्यादा 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 करूँ ना थोड़ा, तो देखो क्या होगा, ये स्क्रीन से तो बाहर निकल गया है लेकिन ओवरफ्लो हो गया, तो मुझे इसको ओवरफ्लो एक्स क्या बोलना पड़ेगा, स्क्रॉल हिडन क्यों, ओवरफ्लो एक्स स्क्रॉल। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल बोलूँगा एक मसला निकल के आएगा, ये स्क्रॉल बाहर आ गया, हाँ इतना ही बढ़ाएगा और विंडोज़ में और बढ़ाएगा, इसको कैसे हाइड करूँगा मैं बताओ। इसका एक, इसकी एक CSS होती है, मैं भूल गया हूँ, देख लेते हैं गूगल से, हैं हाइड स्क्रॉल बार CSS लिखूँगा वो आ जाएगा। असल में ये काम बहुत कम हो रहा होता है स्क्रॉल बार को हाइड वाइड करने वाला। ये इन्होंने बोला है कि यार वेब किट स्क्रॉल बार करके लगाओ और डिस्प्ले नन कर दो तो उससे हिडन हो जाएगा। स्क्रॉल बार विर्थ करके भी किसी ने बोला है कि ये लगाओगे तो हो जाएगा, तो मैं स्क्रॉल बार विर्थ, मुझे ये सबसे सिंपल लग रहा है, स्क्रॉल बार विर्थ नन रिफ्रेश, अरे नहीं कर रहा मेरे पास। अच्छा इसमें एक्सेप्टेड आंसर कौन सा है, एक भी नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया किसी ने कोई आंसर। W3 स्कूल पे जो बताया हुआ वो सही चलता है, ये वाला ओवरफ्लो हिडन किया भाई अगर उसने। MS ओवरफ्लो स्टाइल नन स्क्रॉल बार, अच्छा 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 ये फायरफॉक्स पे अलग है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अलग चलेगा और गूगल क्रोम पे अलग है, ठीक है तो ये तीनों लगाना पड़ेगा भाई जान, ये तीनों लगाना पड़ेगा ताकि तीनों पे चले। याद है मैंने एक शुरू में बताया था कि HTML भी पहले अलग अलग थी, आ जाओ JavaScript भी शुरू शुरू बनी थी ना, तो फायरफॉक्स की JavaScript अलग थी, गूगल क्रोम की अलग थी, तो ये उसकी बाकियात है कुछ चीज़। हाँ इसकी अलग है अभी गूगल क्रोम की और इसकी इंटरनेट एक्सप्लोरर की भी अलग है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में JavaScript की एक कमांड होती है, वो लिखो ना तो सिस्टम का मैक एड्रेस गेट हो जाता है, वो सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही चलता है लेकिन किसी और में नहीं चलता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब जैसे सफारी में JavaScript का बहुत सारा कोड ऐसा है जो सफारी में सिर्फ चलता है और किसी में भी नहीं चलता, सही है। मिसाल के तौर पे एक इनकी प्रोफाइल होती है, जब आपको डेवलपर मॉड इनेबल करना होता है ना अपने फ़ोन में और बीटा वर्जन इंस्टॉल करना होता है, तो आप एक वो कहते हैं वेब पेज पे जाओ एक प्रोफाइल डाउनलोड करो, वो प्रोफाइल डाउनलोड के सीधा सेटिंग में जाती है, लेकिन उसके लिए सफारी पे खोलना पड़ता है, तो गूगल क्रोम पे काम नहीं करता, वो इनका कोई प्रोप्राइटरी चक्कर है, वो हम कोर्स में कवर भी नहीं करते क्योंकि वो इतनी कोई ज़रूरी चीज़ भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ सफारी पे ही होती हैं, दूसरों पे चलती नहीं है वो। फिर इसी तरह फायरफॉक्स का अपना कोड है बहुत सारा, गूगल क्रोम का तो खैर छोड़ ही दो, गूगल क्रोम के तो एक्सटेंशन पता नहीं क्या क्या है, गूगल क्रोम पे तो पूरी डेस्कटॉप बन जाती है ना, वो प्रोग्रेसिव पूरी सपोर्ट करते हैं, जितनी प्रोग्रेसिव ऐप की सपोर्ट गूगल क्रोम ने दी हुई है किसी और ने नहीं दी हुई। सफारी ने तो खैर बिल्कुल ही गला दबाया हुआ है प्रोग्रेसिव ऐप का, तो अभी भी अपनी मनमानी चल रही है, लेकिन जो ES6 का स्टैंडर्ड है वो सबने उतना फॉलो किया हुआ है, जो चीज़ ES6 का पार्ट है ना वो सबने किया हुआ है, जो CSS3 का पार्ट है वो सबने फॉलो किया हुआ है, ठीक है जो लेटेस्ट है। एक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो डिसकंटिन्यू हो गया ना, उसकी बात नहीं कर रहा, जो लेटेस्ट है जो चल रहे हैं जिनका भी अपडेट आ रही है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये .forecast.diff के ऊपर ना ये लगाना पड़ेगा डिस्प्ले नन, ठीक है स्क्रॉल बार पे, ये मेरा हट गया इससे, लेकिन मुझे तीनों लगाने पड़ेंगे, ये दोनों भी करना पड़ेगा। सही है, ये दोनों भी करना पड़ेगा ताकि इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स पे ये चले। और यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ कि ये है क्रोम के लिए, ठीक है एक ही काम को मैं तीन दफ़ा मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि अलग अलग ब्राउज़र में सपोर्ट अलग अलग है। सॉरी असल में ये है इसकी रूल्स हैं CSS के रूल्स, और ये वाला जो है ना ये क्या है इसका सूडो क्लास है, इसलिए अलग अलग लिखा हुआ है। अब देखो ये स्क्रॉलेबल भी है और नीचे स्क्रॉल बार नज़र भी नहीं आ रहा मुझे। अच्छा ओए क्या किया मैंने ये, हाँ अब ये हो गया। अब मुझे करना क्या है, अंदर का जो कार्ड है ना उसको थोड़ा बड़ा भी करना है और उसको ग्लास वाला कार्ड बनाना है। पीसी से आ रहा हूँ, लैपटॉप से नहीं आ रहा, वो क्लिक करके भी हो जाएगा ना। ये देखो ये इन्होंने अच्छा सवाल किया है कि मेरे पास अगर माउस
स्क्रॉल वाला नहीं है, तो मैं ये यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, और क्लिक करके, अरे क्लिक करके नहीं जा रहा है यार ये, हाँ तो इसका मतलब है माउस से ये यूज़ करना पॉसिबल नहीं होगा, टच स्क्रीन पे तो हो जाएगा, लेकिन साइड में बटन लगेंगे, साइड में बटन लग सकते हैं। वेल अभी फ़िलहाल हम वो नहीं कर रहे, लेकिन नहीं है ना, कहाँ इसमें, अच्छा इन्होंने स्क्रॉल बार को हाइड नहीं किया हुआ, खैर उसमें बटन लग सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, वो प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि सबके पास टच स्क्रीन है, या तो उसके पास ये नया वाला पैड है जिसमें वो ऐसे स्क्रॉल होता है हॉरिजॉन्टली। बाय द वे माउस में भी हो जाता है, माउस में भी जो व्हील होता है ना वो लेफ्ट राइट भी हो रहा होता है, मुझे यहाँ वाले का नहीं पता यहाँ पे है वो वाला या नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम जेन्युइन है जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि वो अगर माउस किसी के पास है ना पुराना वाला माउस, तो उससे वो चला नहीं पाएगा इसको, ठीक है, प्रॉब्लम इन्होंने जेन्युइन किया। लेकिन खैर उसका भी कुछ करेंगे, अभी करते हैं उसका भी कुछ, पहले इतना तो करें जो हम करने लगे हैं अभी। अभी जल्दी से हम इसका क्या करना है, ये कार्ड जो है ना इसको बनाना है ग्लास वाला कार्ड। अच्छा सबसे पहले इसको मैंने कहा भाई हाइट जो तुम्हारी होगी ना वो होगी 200 पिक्सल, ठीक है। अच्छा 200 पिक्सल थोड़ी कम है, शायद 300 कर देते हैं, सही है। फॉरकास्ट कार्ड, अच्छा 300 पिक्सल इसकी हाइट कर दी, और इसको क्या दे दिया मैंने, अब बैकग्राउंड कलर ब्लर था, बैकग्राउंड ब्लर, ब्लेंड मोड नहीं, वो एक वेबसाइट है ना, क्या था उसका, है ना मॉर्फिक, यार एनामॉर्फिक ही करके था ये रहा, अच्छा ग्लास मॉर्फिज्म है, सही सही सही, एनामॉर्फिक तो लेंस होता है यार, ग्लास मॉर्फिज्म सही कहा तुमने, एनामॉर्फिक तो वो होता है जो मूवीज में लेंस यूज होता है ना लाइट को ब्लेंड करने के लिए, हाँ ये वाला था वो, अच्छा ये ऊपर आ रहा है। अब मैं इसमें ब्लर जितना बढ़ाता जाऊंगा ये ऊपर ब्लर बढ़ता चला जाएगा, सही है। तो मुझे कोई इतना चाहिए बीच में, सही है, और ट्रांसपेरेंसी मुझे कितनी चाहिए वो भी डिसाइड कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंसी मुझे इतनी चाहिए, तो मैंने इसको कर लिया कॉपी सीएसएस। अच्छा कलर पे चेक लगाऊंगा तो क्या होगा, अच्छा कलर भी दे सकता हूँ इसको, सही है। तो ये बहुत आसान कर दिया इन्होंने, आके यहाँ पे सीएसएस मैंने पेस्ट कर दी, ये मेरा काम खुद ही हो गया, शेडो भी दे दिया, बैक फिल्टर विल्टर सब दे दिया, बॉर्डर रेडियस भी इसने दे दिया खुद ही। अब देखते हैं इसने क्या जादू दिखाया है यहाँ पे, ये बन तो गया है कुछ, ठीक है। अब ये हाइट वाइट थोड़ी इसमें मार्जिन वार्जिन लगेगा ना, बिल्कुल ओके हो जाएगा, ओके का दूसरा नाम हो जाएगा ये ग्लास मॉर्फिज्म लिखेंगे ना आ जाएगी ग्लास मॉर्फिज्म। अच्छा तो मैंने अभी क्या करना है, मैंने सबसे पहले इनको आपस में थोड़ा दूर दूर करना है। अच्छा मैंने वहाँ से जो सी एस एस कॉपी की थी उसको मैंने ऊपर कर दिया है अलग, और मैं जो अपनी सी एस एस लिख रहा हूँ थोड़ा बीच में एक स्पेस दे दिया मैंने, मैंने कह दिया भाई मार्जिन आपका होगा कितना होगा 20 पिक्सल होगा, चारों साइड से 20 पिक्सल मार्जिन हो गया हमारा, ठीक है थोड़े दूर दूर हो गए। फिर उसके बाद मैंने कहा पैडिंग भी होगी कुछ ना कुछ, पैडिंग भी मैंने कहा 20 पिक्सल होगा, ये जो दीवार से चिपका हुआ है ना ये ट्यूसडे मिनिमम मैक्सिमम दीवार से चिपका हुआ है, इसको मैंने कहा दीवार से भाई शाबाश दूर हो जाओ, सही है ये मैंने कह दिया। अब अगला काम मुझे क्या करना है, दोनों का टेक्स्ट बड़ा करना है, ट्यूसडे का मिनिमम मैक्सिमम का टेक्स्ट मुझे क्या करना है बड़ा करना है, जैसा इन्होंने बड़ा किया हुआ है ना ऐसा करना है, सही है। अच्छा इन्होंने कुछ बॉर्डर भी दिया हुआ है 1 पिक्सल का वाइट, तो मे बी हम भी बॉर्डर दे पाए। अच्छा अच्छा अब नोट करो जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ना तो बैकग्राउंड भी मुझे दिख रहा है, बैकग्राउंड की पिक्चर भी मुझे हल्की हल्की इससे दिख रही है आर पार, तो ये प्रॉपर ग्लास इसने बना दिया, अच्छा बनाया यार गुड जबरदस्त। अच्छा अब मुझे इसका टेक्स्ट बड़ा करना है, टेक्स्ट बड़ा करने के लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा भाई देखिए ये मैंने गलत किया है, डिव के साथ ना ये जो मैंने किया है ये वाला
मुझे कह रहा था डिव के अंदर जो फॉरकास्ट कार्ड है, ताकि फॉरकास्ट कार्ड नाम का सिलेक्टर कहीं और लगा हो ना क्लास, उस पर ही अप्लाई ना हो। फॉरकास्ट कार्ड कहीं और भी हो सकता है, क्योंकि वेदर की ऐप है तो हर जगह कार्ड ही कार्ड होंगे, ये मैंने इसलिए किया। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा कि फॉरकास्ट डिव के अंदर डॉट फॉरकास्ट कार्ड, सही है, और उसके अंदर क्या है मेरे पास, अब डे, जो डे लिखा हुआ है डॉट डे। अब इस डे को क्या कर दो, इसका जो फॉन्ट साइज है वो कर दो 24 पिक्सल। ठीक है, 24 पिक्सल हो गया। अब मुझे इसको सेंटर में भी करना है, इस पर बॉर्डर भी लगाना है मुझे। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर हो जाए आपका वाइट हो जाए, सही है, और बॉर्डर रेडियस जो हो जाए आपका क्या हो जाए 50% हो जाए, ताकि वो कुछ गोल मेटल अंडा सा बन जाए। थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, 20 भी बहुत ज़्यादा। इन्होंने कैसे बॉर्डर रेडियस दिया था यार, बिल्कुल परफेक्ट आया था इनका बॉर्डर रेडियस, 10 पिक्सल दिया हुआ इन्होंने। असल में परसेंटेज में क्या होता है, वो बिल्कुल स्क्वायर अगर होना तो परसेंटेज उस पर सही चलता है, अगर वो रेक्टेंगल होना तो परसेंटेज सही काम नहीं करता। तो मैं भी 10 पिक्सल ही लिख देता हूँ। हाँ, ये 10 पिक्सल हो गया, हाँ सही बना है 10 पिक्सल। अच्छा, अब मुझे अगला काम क्या करना है, ये ट्यूसडे जो लिखा हुआ है ना इसको बीच में करना है। कैसे होगा ये, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से भी हो जाएगा, लेकिन हाँ सही है, टेक्स्ट ही है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। वैसे फ्लैक्स बॉक्स से भी मैं कर सकता था, लेकिन फिलहाल टेक्स्ट अलाइन से हो जाएगा ये काम। अच्छा, ये काफ़ी ना चौड़ा दिख रहा है ये बॉक्स जो है, इसको मुझे बॉक्स की चौड़ाई को थोड़ा कम करना है, इतना करना है कि जितना टेक्स्ट है। कैसे होगा ये, एक तो तरीका इसका ये है कि मैं विड्थ इसकी कम कर दूं, दूसरा मैं इसको स्पैन अगर बना दूं ना, तो स्पैन अपने कंटेंट पे क्या होता है, टाइट होता है, स्पैन अपने कंटेंट के ऊपर टाइट रहता है। डिव ऑन अदर एंड क्या करता है, जितनी जगह मिलती है सब ले लेता है। ठीक है, नहीं अगर मैं इसको स्पैन करूँ ना तो ये फिर जितना इसका कॉन्टेंट है उतने पर ही रहेगा ये। लेकिन एक मसला हुआ उससे, पूछो क्या मसला हुआ, वो टैक्स अलाइन फिर नहीं कर सकता मैं उसको, तो मैं इसका मतलब ये है कि ये टैक्स अलाइन सेंटर मेरे काम का नहीं है, मुझे इसको फ्लैक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्पैन अपने कंटेंट पे तो टाइट हो गया, लेकिन अब कंटेंट लेफ्ट राइट कैसे होगा, कंटेंट तो लेफ्ट राइट नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने कंटेंट पे टाइट हो गया, समझ रहे हो ना बात, ये चक्कर हुआ है इसमें। अच्छा, तो अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डे है इसको फ्लैक्स बॉक्स के ज़रिए सेंटर करना होगा। तो डे को फ्लैक्स बॉक्स अगर मुझे बनाना है, तो डे जो है ये पूरा डब्बा, ये किसका चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड किसका है, ये ग्लास वाले कार्ड का डायरेक्ट चाइल्ड है। तो ग्लास वाले कार्ड को मुझे फ्लैक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो मैं आ जाता हूँ। मैंने ग्लास वाला जो कार्ड है ना ये मेरा, इसको मुझे मैंने कहा कि भाई डिस्प्ले फ्लैक्स होगा तुम्हारा, डिस्प्ले फ्लैक्स जैसे ही मैंने किया तो अंदर की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अभी ऊपर से नीचे है ना, तो वो ऐसे चली जाएगी इस तरफ। ठीक है, तो उसको भी हमें सेट करना होगा, ये ऐसे हो गई। अब इसका तरीका क्या है, हाँ फ्लैक्स डायरेक्शन जो होगा ना आपका, डायरेक्शन जो होगा वो कॉलम होगा। ठीक है, ये वापस अपनी जगह पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि सबको ही सेंटर करना है तो जस्टिफाई कंटेंट करूँगा मैं, जस्टिफाई कंटेंट इस पे काम नहीं करेगा। पूछो क्यों नहीं करेगा, वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि फ्लैक्स डायरेक्शन जो था ना वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है रो, तो रो पे जब जस्टिफाई करता हूँ तो रो में सीधा होता है, ऐसे अलाइन बीच से ऐसे होता है। अब अगर मैं करूँगा ना तो वो अलाइन यूँ होगा, तो जस्टिफाई की जगह अपोजिट क्या होता है, अलाइन आइटम लगेगा, तो इस पर अलाइन आइटम्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज हुई है ना, तो जस्टिफाई कॉन्टेंट अलाइन आइटम वो भी फ्लिप हो जाएगा। पहले जस्टिफाई कॉन्टेंट जो है ऐसे हॉरिजॉन्टली करता था ना, अब वो वर्टिकल करेगा, फ्लिप हो जाता है ये भी जब आप इसका डायरेक्शन चेंज करते हो। अपने कंटेंट पे क्या हो गया, टाइट हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। अब मुझे क्या करना है, पैडिंग देनी पड़ेगी इसको थोड़ी सी, मुझे किसको पैडिंग देनी पड़ेगी, इस डे को। मैंने कहा भाईजान आपकी पैडिंग जो है क्या है, वो 5 पिक्सल पैडिंग है। ठीक है, अच्छा ऊपर से पैडिंग नहीं चाहिए थी मुझे, दोनों साइडों पर चाहिए थी सिर्फ, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट। हाँ वो शॉर्टकट है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट टू कीप इट सिंपल राइट नाउ ये हो गया।
पैडिंग 5 पिक्सल थोड़ी कम लग रही है मुझे, थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी शायद, ठीक है 10 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है 10 पिक्सल अब कुछ बेहतर लग रही है। अच्छा इसका जो सर्कल जो ये हुआ हुआ है ना गोल, ये भी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा और ज़्यादा गोल होना चाहिए राइट। तो मैं बॉर्डर रेडियस को 15 पिक्सल करता हूँ ताकि वो थोड़ा मज़ीद गोल कर दे उसको। परफेक्ट हो गया राइट। अच्छा मुझे अंदर का जो ये टेक्स्ट है ना ये भी क्या आ रहा है अभी फ़िलहाल, ये सेंस सेरिफ आ रहा है, मुझे सेंस सेरिफ चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा इसको कि भाई आपका जो फॉन्ट फैमिली जो है वो क्या हो जाए, सेंस सेरिफ हो जाए, जो भी सेंस सेरिफ फॉन्ट है पीसी के अंदर वो हो जाए। टेक्स्ट का कलर भी मुझे थोड़ा सा डिम करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक दिख रहा है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कलर, और मैं ब्लैक बोलता हूँ फिलहाल इसको, और ब्लैक बोल के ना मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर देता हूँ, सही है। ट्रांसपेरेंसी मैंने 80% कर दी इसकी, तो क्या हुआ, हाँ सही है, ट्रांसपेरेंसी मैंने थोड़ी कम कर दी, रिफ्रेश किया मैंने तो थोड़ा सा वो अब जो ब्लैकनेस थी ना उसकी थोड़ी सी डिम हो गई है, वो नीचे वाला ब्लैक डार्क है ऊपर वाला कम डार्क है, राइट फील हो रहा है, यहाँ पे फील नहीं हो रहा मेरी LCD पे हो रहा है। मैं काम करता हूँ ना इसको 0.5 करता हूँ थोड़ा और कम तो फील होगा, फिर मैं वापस फिर वही कर दूँगा, अब तो फील हो ही रहा होगा पक्का पक्का, ठीक है सही हो गया। अच्छा फॉन्ट का साइज मेरा थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे शायद, इसमें क्या गड़बड़ है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला। अच्छा तीनों कैपिटल उसने किया हुआ है ना, जब ही तो मैं बोल रहा हूँ उसका वाला अच्छा नहीं, उसने नहीं किया हुआ तीनों कैपिटल, मेरा ख्याल है टॉप बॉटम पे भी पैडिंग लगती ना तो ये फिर सही लगता मे भी, मैंने चारों पे पैडिंग लगा दी। मेरा ख्याल है पैडिंग ऊपर भी मुझे देनी पड़ेगी लेकिन साइडों में ज़्यादा, ऊपर थोड़ी कम लेकिन ऊपर भी देनी पड़ेगी राइट। तो मैं एक काम करता हूँ पैडिंग का जो पूरा सर्कल है ना वो पूरा सर्कल लगाता हूँ, सही है। अच्छा सर्कल कैसे होता है, पहले टॉप फिर राइट, सही है। उसके बाद मैं कहता हूँ भाई कि 10 पिक्सल और 10 पिक्सल और 10 पिक्सल, ठीक है। तो मैं टॉप को थोड़ा कम कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी है, दूसरा कौन सा था लास्ट वाला, हाँ यही है, ठीक है। क्लॉक वाइज चलता है, सबसे टॉप पे क्लॉक में क्या बचते हैं, एक बचता है जब, तो सबसे टॉप, तो ये उस तरह चलता है। फिर उसके बाद कांटा कहाँ जाता है, राइट पे जाता है, तो उसके बाद राइट वाला है, फिर बॉटम है, फिर उसके बाद लेफ्ट है, इस तरह चलता है ये, सही है। कदरे बेहतर लग रहा है कुछ, जावास्क्रिप्ट तो अभी आए नहीं है ना, उस पर आते हैं अभी हम, पहले मैं देखो मैं HTML में कुछ कर रहा हूँ क्या ज़्यादा, HTML तो एक बार लिख दिया मैंने, इतने का डॉम मेथड बनाना कोई मुश्किल तो नहीं है ना, इतने का डॉम मेथड बनाना, CSS तो लिखने दो ना मुझे फिर प्रॉपर इसकी, CSS तो मैं डॉम से नहीं जनरेट कर रहा ना, CSS तो पहले से लिखी हुई होगी, क्यों लिखा था नहीं, चलो CSS भी अगर मैंने एक बार लिख लिए क्लासेस तो मैं उठा के अप्लाई कर दूंगा, वो भी मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं जावास्क्रिप्ट से अप्लाई कर दूंगा, लेकिन लिख तो नहीं लेने दो मुझे, मतलब मुझे पता तो ना लिखना क्या है, मैं एक बार लिख लूंगा अगर, ये कह रहा है कि CSS भी उसने डॉम से की थी तो मैं भी डॉम से कर दूंगा, सही है। बूटस्ट्रैप की हो जाएगी, यही तो होता है ना बूटस्ट्रैप में भी, और क्या होता है, एट्रीब्यूट होते हैं, तो एट्रीब्यूट एक बार लगा के तैयार हो गया UI, उसके बाद वो सारे एट्रीब्यूट आपने जावास्क्रिप्ट से ऐड कर देना है, इस वाले को रिमूव कर देना है, मुझे तो यही कन्वीनियंट लग रहा है सबसे। अच्छा अच्छा ये हो गया, अब मुझे इसकी विड्थ थोड़ी कम लग रही है, विड्थ इसकी बढ़ा देते हैं थोड़ी, हाइट ज़्यादा हो गई है ना, हाइट थोड़ी कम करते हैं, हाइट इसकी 250 कर देते हैं, और विड्थ इसकी हम रख देते हैं 200, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको, हाइट तो कम हुई है, विड्थ क्या पहले से 200 थी, विड्थ अगर मैं 400 करूँ तो
उसको फर्क नहीं पड़ रहा विड्थ से, नहीं पैडिंग से क्या फर्क पड़ेगा, मैंने ये इसको बताया हुआ ना कि फॉरकास्ट जो ग्लास वाला कार्ड है इसकी विड्थ क्यों नहीं इसको फर्क पड़ रहा है यार, नहीं इम्पोर्टेंट क्यों लगाऊंगा मैं, नहीं पैडिंग तो ऐड अप होती है ना उसके अंदर, पैडिंग जो मैं देता हूँ वो तो ओवरऑल विड्थ में ऐड अप होती है ना, वो तो ये ना विड्थ, अच्छा विड्थ लगा रहा हूँ हटा रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या सीन है, अच्छा हाइट से फर्क पड़ रहा है विड्थ से फर्क नहीं पड़ रहा इसको, हैं मैंने फ्लैक्स बॉक्स बनाया है इसको, फ्लैक्स बॉक्स बनाने से विड्थ का कोई ताल्लुक है क्या, मुझे नहीं लगता, वेल विड्थ क्यों नहीं लग रही भाई, अजीब सी बात हो रही है ये, अच्छा इसने तो कोई ऐसी सीएसएस नहीं लगा दी जिससे मेरा विड्थ पे फ़र्क पड़ रहा है, नहीं इसमें तो बैकग्राउंड है और बॉक्स शेडो है, फिल्टर एक लगाया हुआ है इसने, बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर है बस, चौदह सौ करके देखते हैं, अच्छा एक मिनट इसको डिस्प्ले फ्लैक्स हटा के देखते हैं इसके पैरेंट पे से कि अगर फ्लैक्स बॉक्स, हाँ फ्लैक्स बॉक्स की वजह से ही हो रहा है, नहीं फ्लैक्स बॉक्स की वजह से हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी तो पता नहीं चलेगा ना हमें, एक मिनट फ्लैक्स बॉक्स को रोक के इसका, अगर विर्थ हटाता हूँ तो फ्लैक्स बॉक्स नहीं होता है तो वो फुल विर्थ ले रहा होता है ना, तो फुल ले रहा है अभी, अच्छा मैं अगर इसको बोलूँ विर्थ आके अब के 50% बोलता हूँ अगर मैं तो आधा हो जाना चाहिए, हो गया हाँ, तो फ्लैक्स बॉक्स उसका विर्थ छेड़ने नहीं दे रहा मुझे ये क्या हो रहा है, फ्लैक्स बॉक्स बोल रहा है इसकी विर्थ के साथ छेड़छाड़ नहीं करवाऊंगा मैं, मैंने इसको कहा कि यार पिक्सल मैप दे देते हैं 300 पिक्सल तो सही है, 300 पिक्सल भी अभी सही ले रहा है, हाइट 250 है इसको मैं 200 करता हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए अब एग्जैक्टली, अभी वो भी करते हैं ट्राई, अब मैं वापस फ्लैक्स बॉक्स लगाता हूँ इस पर तो इसकी विर्थ को इसने दोबारा से छोटा कर दिया, अब हम सी एस एस ट्रिक्स पे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वो क्या उन्होंने बताया हुआ है, अभी हमने डायरेक्शन ये वाला किया हुआ है ना लेफ्ट टू राइट, सही है, अच्छा फ्लैक्स रैप जो है वो तो नन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, फ्लो हमारा ये हो गया, और अच्छा एक तो फ्लैक्स ग्रो है ना, ग्रो का मतलब ये होता है फिक्स है विर्थ, अभी हमारी विर्थ फिक्स नहीं है, हमने तो स्क्रॉल दिया हुआ है, हमने तो विर्थ स्क्रॉल दिया हुआ है, ये फ्लैक्स शेयरिंग तो जब होगा ना जब वो वाला इशू हमारा होगा, अच्छा ये अलाइन आइटम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रेच होता है, अलाइन आइटम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रेच होता है, तो इसलिए शायद वो स्ट्रेच कर रहा है उसको, तो लेकिन अलाइन आइटम तो हमने चेंज कर दिया है, हमने क्या किया सेंटर, तो सेंटर का मतलब है ये, अब इस सेंटर वाले को अगर वर्टिकल घुमा के देखूँ मैं तो बीच में आ रहा है इससे, और हाइट कैसे चेंज हो रही है इसकी, कोई छोटी सी चीज़ ऐसी हमने छेड़ी है जो समझ में नहीं आ रही है, उसके पेरेंट डिव को विर्थ ये है उसका पेरेंट का डिव, इसमें तो कोई विर्थ नहीं, इसमें तो कोई विर्थ नहीं है, असल में ये तो स्क्रॉल है ना मेरा, ये तो स्क्रॉलेबल है, ये तो स्क्रॉलेबल है ना, अच्छा स्क्रॉल अगर इसका मैं हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, तो अगर मैं इसका स्क्रॉल हटा दूँ थोड़ी देर के लिए तो ये ओवरफ्लो कर रहा है लेकिन विड्थ चेंज अभी भी नहीं करने दे रहा मुझे ये, अब मुझे एक ही चीज़ समझ आ रही है, हाँ फ्लैक्स से ऊपर कर दो विड्थ को,
कौन सा वाला फिर? ये वाला जो फ्लैक्स है, अच्छा ये नहीं, ये तो फॉरकास्ट डिव पे लगा हुआ है ना, जो पूरी बड़ी डिव है, जो पूरा स्क्रॉल का डब्बा है पूरा, ये उस पे लगा हुआ है। उस पे विर्त में दे ही नहीं सकता क्योंकि उसको तो मैंने स्क्रॉल किया हुआ है, मुझे पता है इससे ओवरफ्लो करेगा ये, इसको स्क्रॉल किया हुआ है मैंने, लेकिन फिर भी चलो मैं विर्त इसको दे देता हूँ। 100% विर्त है इसकी, एक्चुअली विर्त इसकी 100% है, ठीक है, ये इसकी विर्त है कि पूरी स्क्रीन पर ये एज बाई एज रहेगा। अभी इसकी विर्थ, लेकिन इसने मुझे देने नहीं दिए विर्थ, क्यों नहीं है देने दे रहा मुझे? हाँ मुझे अभी यही समझ में आ रहा था आखिरी, कि वो जो डिव है ना, जो फॉरकास्ट का जो कार्ड है, वो असल में क्या है? वो असल में है ब्लॉक एलिमेंट, ये वाला, वो असल में ब्लॉक एलिमेंट है। तो अगर मैं उसको ब्लॉक एलिमेंट से चेंज करके स्पैन कर दूँ अगर मैं, तो ये इनलाइन हो जाएगा, या तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट खुद से उसको इनलाइन कर दूं सीएसएस के ज़रिए। तो ये दो चीज़ है जो मुझे लग रहा था कि जिससे शायद मे भी फ़र्क पड़ रहा है। ओए सॉरी, ये मैंने किसको गलत चेंज कर दिया, डे को कर दिया मैंने, डे नहीं करना था, ये फॉरकास्ट का जो कार्ड है ना इसको मैंने करना था, ये ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा? यहाँ पर मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि अगर इनलाइन का इशू है तो मुझे पता चल जाए, नहीं इनलाइन वाला इशू नहीं है। फ्लैक्स हटा के इनलाइन मतलब? नहीं, डिस्प्ले इनलाइन करने से भी नहीं हो रहा, इस वाले को डिस्प्ले फ्लैक्स ऊपर कर दूं? नहीं यार, इससे कैसे फर्क पड़ सकता है? नहीं यार, इससे कैसे फर्क पड़ सकता है? रूल पहले और बाद का चक्कर नहीं है, वो तो कैस्केडिंग ऊपर नीचे होती है ना, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। सर अगर पैरेंट डिव से डिस्प्ले फ्लैक्स हटा दे और ये कार्ड को डिस्प्ले इनलाइन कर दे तो हमारा काम इनलाइन होगा? नहीं हुआ ना इनलाइन, कैसे काम होगा? फ्लैक्स बॉक्स तो हमें लगाना है स्टिल। नहीं बंद तो जाएगा, लेकिन फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर सॉल्यूशन तो फ्लैक्स बॉक्स ही है ना। वो फ्लैक्स वन फ्लैक्स टू से रेशो जो देता है ना, वो तो जब देगा ना, ये रहा वो यहाँ पे है ना, ये वो फ्लैक्स ग्रो नाम है उसका, फ्लैक्स ग्रो ये करता है। हाँ सब एक जैसे हो गए वन, चलो वैसे भाई दबे सही कह रहा है बात, फ्लैक्स वन इसको दे के देना चाहिए मुझे, फ्लैक्स वन, ताकि वो सबको इक्वल वाली बात उसको समझ आ जाए, ताकि वो डिव की जो लड़ाई है ना वो ख़त्म हो जाए। लेकिन हुआ इससे भी नहीं भाई दबे, अगर मैं इसको थ्री करूँ तो, लेकिन मैं वन लिखूँ थ्री लिखूँ वो इक्वल है ना, मतलब इसका सबको इक्वल देना है, थ्री थ्री सबको देना है, ये तो ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे फिक्स है विर्थ अवेलेबल, विर्थ फिक्स है। अच्छा अगर मैं इसका ये हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, ये ओवरफ्लो एक्स वगैरह, तो अब ये ना वन टू थ्री काम करेगा, लेकिन वन टू थ्री उस सूरत में काम करेगा, मुझे अलग अलग कार्ड को अलग अलग देना होगा, एक को टू दे दूँ एक को वन दे दूँ फिर करेगा काम, तो उससे भी फ़ायदा नहीं है यार। ये तो बड़ा गंदा फंस गया यहाँ पे मैच हमारा, मुझे अभी एक ही चीज़ समझ आ रही है, यहाँ से करूँगा मैं, जो भी होगा यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ से स्टाइल फ़ौरन अप्लाई हो जाता है, मैं यहाँ से स्टाइल अप्लाई करूँगा और वहाँ से फ़ायदा नहीं है ना, बार बार मैं इधर आ रहा हूँ घूम के। अब ये यहाँ से मसला सॉल्व होगा, बॉर्डर रेडियस हटा दिया, बॉर्डर हटा दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स, ये मैं गूगल क्रोम के डेवलपर टूल्स में मौजूद हूँ, अच्छा बैकग्राउंड चेस में मैं ज़रा इम्पोर्टेंट लगा के देखता हूँ, नहीं हुआ इम्पोर्टेंट से ही हुआ।
डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते ही जो है ना इसकी वो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते ही जो है ना इसकी हाइट का बेड़ा गर्क हो जा रहा है। हाँ वो तो उसको मैंने थोड़ी देर के लिए रोका हुआ है अभी। नहीं ये तो मेरे पेज का स्क्रॉल बार है ना, ये तो पूरे पेज का स्क्रॉल, इसको छोड़ दो। वो रोका हुआ ऑलरेडी, आ ही नहीं रहा। अच्छा अब एक ना टाइम्स आया इसमें ज़्यादा हो रहा है थोड़ा, तो मुझे इसकी एक जुगाड़ समझ में आ रहा है कि मैं इसका ना ये बढ़ा दूँ, ये जो साइड का इसके है ना आपका पैडिंग, इसको बढ़ा के फ़िलहाल मैं जुगाड़ करके कर लूँ, विर्थ इस तरह बढ़ा लूँ फ़िलहाल में, मुझे ये समझ आ रहा है अभी। ठीक है तो वापस आते हैं, जो जो कोड मैंने रोका हुआ था, ये ओवरफ्लो एक्स वगैरह ये सब रोका हुआ था ना, इसको वापस अपनी जगह पे किया, और इसका विर्थ तो काम नहीं कर रहा। ठीक है नॉट वर्किंग लिख देता हूँ आगे इसके। ठीक है और पैडिंग जो मैंने लगाई हुई थी 20 पिक्सल चारों साइड पे, 20 पिक्सल मैंने पैडिंग लगाई हुई थी, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ पैडिंग राइट, मुझे 200 पिक्सल करना है तो पैडिंग राइट कितना देना पड़ेगा मुझे, आई थिंक 100 और पैडिंग लेफ्ट भी 100। सही है तो मेरा वो पिक्सल नहीं लगाया, मैंने कहा पैडिंग भी अप्लाई ना हो तो फिर तो बेकार ही। हाँ पैडिंग से अभी फ़िलहाल मैंने जुगाड़ किया है, इसको मैं बाद में देखूंगा, आप भी देखिएगा कि ये विर्थ क्यों नहीं पकड़ रहा था, तो फिर हम उसको कर लेंगे सॉल्व इशू। अच्छा ये पैडिंग का पूरा सर्कल देते हैं इसको, शायद वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने कहा कि टॉप पे 20 फिर 100 फिर 20 फिर 100। ठीक है एक ही में पूरा सर्कल पूरा कर दिया मैंने। ठीक है 100 शायद थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो 80-80 करके देखते हैं। ठीक है 80 भी ज़्यादा हो रहा है यार। इतना ठीक है गुड इनफ है। अच्छा मेरा ख्याल है स्टाइलिंग हमने काफ़ी ज़्यादा कर ली है, स्टाइलिंग को हम यहीं रोक लेते हैं अभी। ठीक है और इसका हम क्या लिख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट लिख लेते हैं। टाइम हमारे पास जो है वो आधा घंटा अभी भी बचा हुआ है, तो होपफुली वंस हम जब जावास्क्रिप्ट लिख लेंगे कुछ टाइम अगर बच गया तो इसकी स्टाइलिंग को इम्प्रूव कर लेंगे हम। ठीक है हाँ ना स्टाइलिंग हमने काफ़ी कर ली, गुड इनफ कर ली, और कितनी करेंगे स्टाइलिंग अब, वैसे तो लिमिट नहीं है कोई, स्टाइलिंग जितनी मर्जी करते जाओ होती जाएगी। सही है इतने सारे डिफ जो बनाए थे इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे इतने सारे डिफ की अब ज़रूरत नहीं है। एक जो बनाया है इसको भी मैं रोक देता हूँ, रोकने से क्या होगा यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, शुरू में खाली होगा। इसके ऊपर जो बॉर्डर लगाया हुआ था इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये जो बॉर्डर लगाया था ना मैंने मेन पे ये वाला, ये भी नहीं है तो शुरू में क्या है ये, अबे ये अभी भी हाँ अब क्या है, शुरू में कुछ भी नहीं है खाली है बिल्कुल, शुरू में क्या हो गया बिल्कुल खाली हो गया। अब मुझे ये वाला जो काम है ये कैसे करना है, ये जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करना है। मैंने कहा कि स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले क्या एक्सियोस चाहिए मुझे, तो एक्सियोस को ज़रा पकड़ लेते हैं जाके हम, एक्सियोस लिखा मैंने, एक्सियोस का CDN पकड़ लेते हैं क्योंकि उसी से तो हम वेदर की API कॉल करेंगे। इसको क्या हो गया एक्सियोस को, ठंडा हो गया ये, नहीं वो भी यही है एक्सियोस तो एक ही है। हाँ ये आ गया CDN.js Deliver का, इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसको मैंने कहाँ लगाना है, अपने हेड में लगाना है इसको मैंने, सही है हेड में यहाँ पे मैंने इसको लगा। एक्सियोस मैंने CDN उठाया उसका, एक्सियोस की अपनी रिपोजिटरी है GitHub की, या NPM में भी वो आना चाहिए, NPM कोई ठंडा हुआ है दिखा नहीं रहा, NPM में भी यही आ रहा होता है सब कुछ जो यहाँ पे आ रहा है। सही है एक्सियोस एक ही एक्सियोस है, चाहे आप GitHub में चले जाओ चाहे आप NPM में चले जाओ एक ही एक्सियोस है। ठीक है तो एक्सियोस का मैंने ये लाइब्रेरी उठा लिया क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंटरनेट पे मैंने कॉल करना है, इंटरनेट पे मैंने रिक्वेस्ट भेजनी है। अच्छा एक्सियोस मुझे एक चीज़ और भी चाहिए ना एक्सियोस से, उसका जो गेट रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं वो चाहिए मुझे। ठीक है तो ये देखो गेट रिक्वेस्ट ऐसे भेजते हैं एक्सियोस से, ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। ठीक है कैच अगर एरर आ गया तो कैच चलता है, लिखा हुआ भी है ना हैंडल सक्सेस हैंडल एरर,
अगर 200 के अलावा कोई भी कोड आएगा ना तो वो ये चलेगा, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं चलेगा, सही है। अच्छा, axios.get में मुझे URL चाहिए, किसका वाला, फोरकास्ट जो गेट करते हैं उसका URL चाहिए। तो मैं चला जाता हूँ openweathermap.com, जहाँ से मैंने ये API गेट करनी है। अच्छा, मैं चला जाता हूँ इसकी प्राइसिंग में, प्राइसिंग से ही गए थे ना जो 5 दिन वाला, तो प्राइसिंग में देखो ये देता है 3 आवर फोरकास्ट और 5 दिन का, तो मैं इस पर एंटर करके इसके अंदर चला गया। यहाँ पे मुझे क्या मिल गया इसका, ये URL मिल गया पूरा का पूरा, ठीक है। इस URL को पहले मैं हाथ से कॉल करके देखता हूँ, हाथ से कैसे कॉल करूँगा मैं, कोई तरीका है, GitHub की एक्सटेंशन है, उसके अलावा यहाँ पे एक एक्सटेंशन है दैट इज कॉल्ड थंडर, सही है। तो थंडर की जो है एक्सटेंशन, वहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करूँगा URL, सही है। URL पेस्ट करने के बाद ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसको मुझे देना पड़ेगा जो अभी मेरा है, और API की भी मुझे इसको देनी पड़ेगी। तो वो तीनों चीज़ें पकड़ के लाते हैं, साइन इन कर लेता हूँ मैं ताकि अंदर से मैं अपनी API की पकड़ लूँ, सही है। ये साइन इन कर लिया मैंने, साइन इन करके जब मैं जाता हूँ अपने ऐसे ही API की, अच्छा ये मेरी API की है और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सही है। कॉपी करके API की मैंने यहाँ पे दे दिया, सेंड का बटन दबाया, इनवैलिड API की, प्लीज़ सी दिस दिस दिस। तो एक काम करते हैं, जनरेट कर लेता हूँ एक नई, मैंने कहा भाई सैलानी न्यू, असल में मैं जब API की बनाता हूँ ना तो वो सब लोग उसी को फिर यूज़ कर रहे होते हैं तो वो ब्लॉक मार देते हैं। सही, इसलिए मैंने न्यू जनरेट कर लिया। अबे इनवैलिड ही बता रहा है ये, तो क्या बात, सॉरी हाइपर टेक्स्ट क्या, अच्छा https://। यार ये खुद वैसे लगा देता है ये थंडर क्लाइंट आपका, लेट लॉन्ग निकाल लेता हूँ मैं, सही है। ये लेट लॉन्ग आ गया मेरे पास न्यूयॉर्क सिटी का, पहले लेट मैंने ही पेस्ट कर दिया यहाँ और उसके बाद मैंने लॉन्ग पेस्ट कर दिया, सही है। हो सकता है ये पैरामीटर नहीं मिल रहा इसलिए वो कर रहा हूँ। अच्छा भाई, ये मेरा शायद इन्होंने अकाउंट ही ब्लॉक किया हुआ है, मे बी एरर आ रहे थे। ये तो फुल ठंडा ही हुआ है, अच्छा मेरी API की जो है, अच्छा मेरी API की भाई ये बता रहा है कि एक्सपायर है। तो अभी किसी ने वेदर ऐप जो मुझे भेजी थी, अबे इसकी वो निकालते हैं ना, इसकी API की निकालते हैं ना ये किसी के है, किसी का वेदर ऐप है, इसकी API की निकाल लेते हैं, चलो जाओ और बोलो। नहीं, ये इसी से गेट कर रहा है, अच्छा API की इसने वहाँ से लगाया है, नहीं वहाँ से कहाँ से लगाया, इधर ही होगा, ये रहा सही है, ये आ गया API की इसका, इसकी अभी तो आ गया डेटा, सही है। वो पता नहीं 1000 की कोई लिमिट होती है, पता नहीं क्या होता है, तो अभी तो डेटा आ गया, मतलब अभी चल गया है फिलहाल, कि क्लास तक चलता रहे तो हमारे लिए फ़िलहाल गुड इनफ है। अपनी नया अकाउंट बना लेना, जैसे मेरा उन्होंने शायद अकाउंट ब्लॉक कर दिया है मे बी, हाँ नई API की जनरेट हो गई लेकिन काम नहीं कर रही हो स्टिल। अच्छा तो मैंने क्या किया, ये पूरे को मैंने उठा लिया, कॉपी कर लिया और कॉपी करके अपने कोड में, कोड मेरा कहाँ गया यार, कोड गुम कर दिया मैंने, ये रहा मेरा कोड, अच्छा कोड यही था मेरा ना, सही है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो पूरा का पूरा URL पेस्ट कर दिया लागे,
ठीक है, ओपन वेदर एपीआई की। अच्छा, इसको मैंने बैकटिक में करना था ताकि मैं बीच में टेम्पलेट्स डालूंगा ना इसके, सही है। लेट की जगह मैं क्या डालूंगा, टेम्पलेट। अच्छा भाई, दबे लेट हटा के अगर मैं वैसे वाला करता हूँ, क्यू लिख के सिटी डालता हूँ, तो क्या ये उस पर चलता है? ये भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा लेट नहीं डाल रहा मैं बोल रहा हूँ क्यू, और साथ में लिखता हूँ मैं कराची, और भेजता हूँ तो क्या करता है ये? भेज दिया यार इसने, कराची लिखने से भी भेज रहा है। सही है ना, नेम कराची पे भेज तो रहे भाई। तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया ना ये, उन्होंने डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं है लेकिन ये चल रहा है लकीली। तुमने बताया था, ये हारून ने बताया था कि ऐसे भी चल रहा है ये, तुमने ये करके देखा, चल गया, मेरे पास भी चल गया, ठीक है। तो लेट लॉन्ग से भी चल रहा है, और नाम लिख के भेजने से ना क्यू से भी चल रहा है, दोनों तरीके से चल रहा है। तो मेरा ख्याल है क्यू वाला ज़्यादा सही है फिर, ठीक है। ताकि मैं, क्योंकि मेरे केस में यूज़र से मैं क्या लेता हूँ, डायरेक्ट मैं नाम लेता हूँ, तो मैं ये क्यू की जगह पे क्या लगा देता हूँ, टेम्पलेट लगा देता हूँ। ये टेम्पलेट के यूज़र इससे क्या दे रहा होगा, इनपुट दे रहा होगा, और मैं वो यहाँ पे लगा रहा होगा, ठीक है। सिटी नेम, अच्छा सिटी नेम फ़िलहाल मैं क्या कर देता हूँ, अभी हार्ड कोडेड लगा देता हूँ, फिर थोड़ी देर में हम क्या करेंगे, सिटी नेम इक्वल टू कराची। फिलहाल मैं हार्ड कोडेड लगा रहा हूँ क्योंकि दैट्स नॉट अ बिग डील कि आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना के उससे इनपुट लें, तो इसलिए हार्ड कोडेड कर रहा हूँ। अच्छा, रिस्पांस में मेरे पास क्या आ रहा है अब यहाँ पे, रिस्पांस में मेरे पास आ जाता है एक अदद एरे आ जाता है मेरे पास, ठीक है। इस एरे में कितने आइटम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 होने चाहिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 40 पूरे ही लग रहे हैं मुझे। हाँ हारून, तुम कह रहे थे 3 दिन का आता है, ये तो पूरे दे रहा है। अच्छा, जो मैं प्राइसिंग से गया हूँ ना, अच्छा तो ये कोई एपीआई मैंने दूसरी पकड़ ली है क्या यहाँ से? फोरकास्ट, एक मिनट मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने भी क्या वही एपीआई कॉल की हुई है जो मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे गया, अच्छा सेम एपीआई है भाई, सेम एपीआई है, यही वाली है। इसको मैं कॉपी करता हूँ ना इतने को, कि सेम है या नहीं है, मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, और कॉपी करके अपने कोड में ले गया, और कोड में ले जाके कंट्रोल एफ किया और पेस्ट किया, तो सेम एपीआई है। हाँ अच्छा, ओपन वेदर मैप यूज़ नहीं किया तुम लोगों ने, अच्छा ठीक है, एक ही बात है, कोई दूसरे से मिल रहा है तो भी सही है। तो वेल, ये फ्री एपीआई है बहरहाल, ओपन वेदर मैप वालों की फ्री में जो मिल रही है ना, ये वो वाली है। अच्छा, तो ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई और अगर पसंद आ रही है तो वो यूज़ कर लो, एक ही बात है। अच्छा, तो हमने ये देख लिया। अब रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है भला मुझे मिलते हैं रिस्पांस के अंदर 40 अदद जो आपके आइटम्स। अच्छा, इस आइटम को मैं डिफरेंशिएट कैसे करूँगा, इस आइटम को डिफरेंशिएट करने के लिए मेरे पास एक तो टाइम मुझे मिल रहा है, राइट, इसमें डेट मिलती है क्या मुझे? नहीं, डेट मिलती है मुझे ना, सही है। तो मैं अब क्या करूँगा, इसके जो डेट, जितने भी डिफरेंट डेट्स हैं ना, उनका एक एरे बना लूँगा मूवमेंट js के जरिए ना, इस पर लूप चलाऊंगा मैं, और एक दिन का जितना है उसको सबको एक में, दूसरे दिन का जितना है उसको सबको दूसरे में, ऐसे करके बना लेता हूँ, सही है। फिर उसका सबका एवरेज निकाल लूँगा, यही करना है ना मुझे। नहीं ना, एक दिन का 0 से 8 तक नहीं होगा, 0 से 8 तक इसलिए नहीं होगा क्योंकि आज के दिन में 2 ही घंटे बचे हैं, तो आज के दिन का सिर्फ एक होगा। ये देखो ना, अभी क्या है, 8:29, अब उसके बाद क्या है आगे, 8:29 के बाद, अभी भी 8:29:21 और 8:30 आ गया, तो ये 8 तो शुरू के नहीं हुए ना, ये तो लॉजिक गलत हो गई। तो मुझे इसमें ये 8:29 जो है ना और 8:30 जो है, इसको अलग करना होगा,
तो इसको कैसे अलहदा करूँगा मैं, मोमेंट जेएस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। तो मोमेंट जेएस का पहले तो सीडीएन उठा लेते हैं, मोमेंट जेएस का सीडीएन उठा लेते हैं जल्दी से। अरे भाई क्या है ये, मोमेंट जेएस सीडीएन एंटर। खुल जा सिम सिम, ये मैंने कर लिया कॉपी मोमेंट जेएस को और मैंने इसके साथ साथ लगा दिया। सही है, ये मेरे पास मूवमेंट जेएस यहाँ पे आ गया। अब इस मूवमेंट जेएस से मैंने क्या करना है, मैंने वो जो डेट है ना पूरी उसमें से तारीख अलग करनी है। तारीख अलग करने के लिए मैंने निकाला। अच्छा जावास्क्रिप्ट के अपने भी डेट के मेथड हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, नॉट अ प्रॉब्लम। बट मूवमेंट जेएस मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है मुझे कुछ केसेस में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई जान लूप चलाना है हमें, किस पे चलाना है, रिस्पॉन्स डॉट, रिस्पॉन्स के बाद क्या आ रहा था मेरे पास, रिस्पॉन्स डॉट डेटा तो पहले है इसमें, और डेटा डॉट, डेटा डॉट लिस्ट जो है ना मेरे पास वो एक एरे है, डेटा डॉट लिस्ट, ठीक है, डॉट मैप, क्योंकि मुझे पूरे आखिर तक रन करना है तो मैप है। सही है, अगर मुझे आखिर तक रन नहीं करना होता, बीच में ब्रेक श्रेक कराना होता, तो फिर मैं मैप नहीं चलाता, फिर मैं लूप फॉर लूप वगैरह चला लेता, क्योंकि मैप को ब्रेक नहीं किया जा सकता, ये आखिर तक ही चलेगा हर हाल में। अच्छा मैंने कहा कि ईच आवर, ठीक है, ईच आवर मिलता है इसमें, वैसे तीन घंटे का स्टेप है लेकिन फिलहाल मैं ईच आवर लिख रहा हूँ अपने समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए। अच्छा फिर मैंने क्या बोला, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको बनाना है जितने दिनों का है ना उसके हिसाब से बनाना है। तो अभी तो ऑलरेडी एक एरे है, लेकिन मैं यहाँ पे एक नया एरे बना लेता हूँ मेरा, लेट डे वाइज इक्वल्स टू एम्प्टी एरे, ठीक है। डे वाइज मैंने कर लिया इसको कि भाई एक इंडेक्स के ऊपर एक पूरा एरे होगा जिसमें पहले दिन का सारा होगा, फिर दूसरे इंडेक्स पर पूरा एक एरे होगा जिसमें दूसरे दिन का सारा फोरकास्ट होगा, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ईच आवर डॉट, अब ईच आवर के अंदर डॉट करके मुझे क्या मिलता है, लिस्ट के अंदर मुझे डॉट करके क्या मिलता है, डी टी करके डेट मिल रही है मुझे, राइट। अच्छा डी टी करके भी मिल रहा है और लास्ट में मुझे डी टी अंडर इसको टेक्स्ट करके टेक्स्ट फॉर्म में भी मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है डी टी वाले को ले लेते हैं, क्योंकि मिली सेकेंड हर लाइब्रेरी को ज़्यादा अच्छा समझ आता है, तो मैं मिली सेकेंड वाले को ले लेता हूँ। मैंने कहा डॉट डी टी, मैंने कहा डॉट डी टी जो है ना इसको क्या बनाना है, मैंने इसको बनाना है मैंने मूवमेंट, सही है, इसको मैंने बना दिया मूवमेंट। अब मूवमेंट बनाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं डॉट गेट डेट कर सकता हूँ, राइट, कर सकता हूँ ना। अच्छा यह डॉट गेट डेट मैं जावास्क्रिप्ट वाले से भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मूवमेंट यूज़ कर ले, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर ले, जावास्क्रिप्ट कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट में ऐसे कैपिटल डी से डेट है, ठीक है, न्यू कैपिटल डी से डेट, और उसके बाद गेट डेट है, ये क्या है, जीरो से लेके 31 तक जो देता है वो क्या देता है, गेट डेट ही देता है ना, देख लेते हैं। गेट डेट रिटर्न द डे ऑफ, हाँ 1 से लेके 31 तक देता है, तो सही है, मुझे तो डिफ्रेंशिएट ही करना है जस्ट, मुझे कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो उससे निकालनी नहीं है, मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैंने गेट डेट कर लिया और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, लेट डेट इक्वल्स टू दिस, ठीक है, डेट ऑफ मंथ, ऐसे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव नाम रख लेता हूँ, सिर्फ डेट ना थोड़ा सही नहीं है, तो डे और डेट ऑफ मंथ रख लिया मैंने, सही है, डेट ऑफ मंथ रख लिया मैंने। अच्छा अब डेट ऑफ मंथ रखा है मैंने, अब मैंने बोला कि भाई एक जैसे जितने भी है ना सारे, उसको क्या करो आप। अच्छा ये डेट ऑफ मंथ ना मुझे लूप से बाहर बनाना होगा, कट किया इसको मैंने और इसको मैंने बाहर बना लिया और इक्वल्स टू ज़ीरो कर दिया शुरू में, या नल कर दिया इसको मैंने शुरू में, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो भी डेट, अच्छा ज़ीरो डेट नहीं होती बाय द वे, 1 से 31 है, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको ज़ीरो भी नहीं रखना होता ना तो आप नल रख देते हैं, तो अनडिफाइंड भी रख सकते हैं, तो मैंने नल रख दिया। अच्छा और मैंने क्या बोला, मैंने बोला लेट डेट ऑफ मंथ,
मैंने एक नया डेट ऑफ मंथ लिया और इसके आगे शुरू में टेम्प लगा देता हूँ मैं कि टेम्प्रोरी है ये टेम्प डेट ऑफ मंथ। एक तो मैंने बाहर लिखा हुआ है, जाहिर है मैं जब लूप चलेगा अगला तो मैं कॉम्पेयर कैसे करूँगा कि ये पहले वाला ही है या दूसरा वाला है, मैं कॉम्पेयर कैसे करूँगा कि ये पहले वाला ही है कि दूसरा वाला है, सही है। और मैं नीचे एक क्या बना देता हूँ, काउंटर भी बना लेता हूँ, काउंटर को मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ये काउंटर में क्यों बना रहा हूँ कि एक डेट बढ़ेगी ना तो मैं काउंटर को भी एक बढ़ा दूंगा, क्योंकि एरे तो मेरा ज़ीरो बेस है। लॉजिक समझ आ रही है, कैसे लग रही है ये? एक तो मैंने पुरानी डेट को सेव किया हुआ है कि पहला जो आएगा ना उसका डेट मैं यहाँ रखूँगा इसके अंदर और अगले में कंपेयर कराता जाऊँगा, जब चेंज होगी तो मैं काउंटर को बढ़ाऊँगा तो अगले इंडेक्स पे चला जाएगा वो। थोड़ा ऊपर से निकलना शुरू हो गया है। मैं असल में कर ही रहा हूँ कि मेरे पास 40 जो एरे आया ना, 40 को मैं डेट वाइज अलग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, 40 एरे को डेट वाइज अलग कर रहा हूँ, तो उसका यही तरीका बेस्ट मुझे अभी समझ आ रहा है। तो मैंने कहा डेट ऑफ मंथ, टेम्प्रोरी डेट ऑफ मंथ जो है। अब मैंने सबसे पहले बोला इफ, ये तो मैंने डेट ऑफ मंथ निकाल लिया इसमें से कि कौन सा होगा, मैंने कहा इफ डेट ऑफ मंथ ठीक है इक्वल्स इक्वल्स टेम्प्रोरी डेट ऑफ मंथ, कि मतलब पहले वाला जाता तो था भैया पहली दफ़ा में क्या होगा, ये मैच नहीं करेगा, पहली दफ़ा में ये मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, काउंटर को क्या कर दूँगा मैं, इक्वल्स टू प्लस प्लस करूँगा काउंटर को। अच्छा, तो इसका मतलब है काउंटर को इनिशियलाइज माइनस वन से करना होगा ताकि पहली दफ़ा में ज़ीरो आए, माइनस वन से इनिशियलाइज करना होगा ताकि पहली दफ़ा में क्या हो, ज़ीरो पे जाए, ताकि ज़ीरो इंडेक्स से शुरू करें। काउंटर पे मैंने प्लस प्लस कर दिया और मैंने क्या किया अगला काम, मैंने कहा भाई डे वाइज डॉट पुश, ओ सॉरी डे वाइज का इंडेक्स ज़ीरो, हाँ इंडेक्स ज़ीरो डॉट पुश। अच्छा, इंडेक्स ज़ीरो डॉट पुश में एक मसला आएगा क्योंकि इंडेक्स ज़ीरो अनडिफाइंड है, उसमें पुश नहीं लग सकता, तो मुझे यहाँ पे ये भी लगाना पड़ेगा, एक छोटा सा ये फॉर भी लगाना पड़ेगा कि भाई अगर डे वाइज का इंडेक्स इंडेक्स ज़ीरो जो है ना अगर नहीं है नॉट, तो डे वाइज का इंडेक्स ज़ीरो इक्वल्स टू एम्प्टी एरे कर दो, ठीक है। ये एक नल चेक लगा हुआ है, अदरवाइज़ ये एरर दे देगा, कोड फट जाएगा हमारा, ठीक है। नेस्टेड, क्योंकि नेस्टेड अभी एरे बनने जा रहा है एक्चुअली, इस वजह से ऐसा हो रहा है, सही है। तो डे वाइज में मैंने पुश करवाया ज़ीरो में, और क्या पुश करवाया मैंने, ये मैंने ईच आवर को पुश करवा दिया। मेरा ख्याल है ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये कोड जब चल के पूरा होगा ना, तो डे वाइज के अंदर मुझे कितने इंडेक्स होने चाहिए, 7-14 दिन है ना, 14 इंडेक्स होने चाहिए, कितने, 5 दिन है, 14 5 इंडेक्स होने चाहिए डे वाइज के अंदर, 5 इंडेक्स होने चाहिए या 6, 5 या 6 होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है लास्ट में वो अगले छठे दिन का भी थोड़ा सा देता हो, क्योंकि पूरे 40 दे रहे हैं ना, छठा दिन भी उसमें थोड़ा आ रहा होगा, तो 5 या 6 होना चाहिए। और हर एक इंडेक्स पे, उसके पाँचवें इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स पे पूरे पूरे दिन के फॉरकास्ट का डेटा होना चाहिए। अब अगला काम हम करेंगे उसका एवरेज निकालेंगे। तो ये लूप जैसे चल के ख़त्म होता है ना, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्सोल डॉट लॉग डे वाइज को मैं कॉन्सोल करवा दूँगा, सही है। अब मेरा कोड जैसे ही रन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वेदर से डेटा गेट करेगा, और वेदर से डेटा गेट करके रिफ्रेश किया मैंने इसको, वेदर से डेटा गेट करके मुझे ये लाके इसने दे दिया। अरे ये क्या हुआ, ओ नहीं, अच्छा मैंने पता एक मिस्टेक किया मैंने, ये ज़ीरो जो मैंने किया है ना, इस ज़ीरो की जगह काउंटर होना था ना, वो तो हर दफ़ा ज़ीरो पे ही कर रहा है, तो ज़ीरो नहीं होगा या काउंटर होगा, काउंटर को मैं, क्योंकि बढ़ेगा ना वो जैसे डेट चेंज होगी तो अगले पे चला जाएगा, तो इसलिए काउंटर होगा वहाँ पे, और काउंटर भी खुद से नहीं है, मेरी मर्ज़ी से, जब ये मैच नहीं करेगा तो बढ़ेगा। अच्छा, इसमें भी नॉट लगना था, ये मैंने गलती की है, डेट ऑफ मंथ अगर नॉट इक्वल टू हो, अभी जो टेम्प वाले से मिला है इक्वल टू हो, फिर तो उसी पे रखना है ना, फिर तो नहीं चेंज करना, नॉट इक्वल टू हो ना, अगर डेट चेंज हो गई है फिर उसको बढ़ाना है। अच्छा अच्छा ये तो पूरा ही बढ़ा दिया इसने, मुझे असल में करना ये पड़ेगा, ये जो डेट मैं गेट करता हूँ ना, मुझे लग रहा है इसमें कोई गलत चीज़ गेट हो रही है, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रही,
तो इसको भी कंसोल करवाना होगा कि इसमें गेट हो क्या रहा है। टेम्प्रोरी जो डेट मैं गेट कर रहा हूँ, टेम्प्रोरी जो मैं डेट गेट कर रहा हूँ, एक इफ यहाँ पे और भी लगेगा, पूछो क्या, ये जो नल है ये तो चेंज ही नहीं हो रहा कभी भी, तो पहली दफ़ा में मुझे इस नल पे भी रखवाना है कुछ। मैंने बोला कि डेट ऑफ मंथ इक्वल्स इक्वल्स जब वो नल के, तो क्या करो डेट ऑफ मंथ के अंदर रखवा दो टेम्प्रोरी मंथ, ताकि क्योंकि इससे पिछले वाला उसमें सेव करना है ना मैंने, और यहाँ पे भी ये होगा जब काउंटर बढ़ेगा तो पीछे वाले से मैच करना पड़ेगा ना उसको, जब ही तो डिफरेंशिएट समझ आएगा, वरना तो आएगा ही नहीं। थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दी है लॉजिक मैंने, वेल पहले चल जाए फिर मैं दोबारा समझा भी दूंगा कि ये हो क्या रहा है। अबे यार ये तो फिर गलत चल रहा है, माइनस वन से वो आगे ही नहीं बढ़ रहा काउंटर हमारा, क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? अच्छा ये हमेशा 20 ही मिल रहा है, ये जो मैं डेट गेट करता हूँ ना ये हमेशा मुझे 20 मिलता है, 40 के 40 में ये 20 मिल रहा है मुझे, हालांकि 20 है क्या, क्या है डेट इसके अंदर यार, 29 है ये तो यार, 20 क्यों मिल रहा है मुझे, ये तो 29 है डेट मेरा, 20 कैसे मिल सकता है ये मुझे, जब मैं इसके अंदर से ईच आवर का जब डेट गेट करता हूँ, कहाँ गया वो मेरा कोड, ये रहा, मैं ईच आवर जब पकड़ता हूँ तो मुझे पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है ना, मैंने इसको डेट में कन्वर्ट किया है और गेट डेट किया है, ईच आवर डॉट डी टी में पता नहीं क्या मिल रहा है, कुछ और ही ना मिल रहा हूँ, करा के देख लेते हैं। ईच आवर डॉट डी टी के अंदर जो मिली सेकेंड मिल रहा है वो छोटा है। जावास्क्रिप्ट कितने डिजिट के मिली सेकेंड को समझता है, कौन बताएगा? हाँ ये हज़ार से मल्टीप्लाई होगा, ये मिली सेकेंड नहीं है, सेकेंड है ये, इस ये जावास्क्रिप्ट में जो गेट होता है ना, दिखा देता हूँ ना गेट करके मैं, ये असल में मसला यहाँ से आ रहा है। जावास्क्रिप्ट का जो होता है, मैंने कहा न्यू डेट डॉट गेट टाइम, जावास्क्रिप्ट में इतने डिजिट का होता है, कितने डिजिट है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 डिजिट का होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, मिली सेकेंड में है क्योंकि ये, और हमारे पास कितने डिजिट का मिल रहा था, रिफ्रेश करूँगा तो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 डिजिट कम है इसमें, क्योंकि ये सेकंड है, ये मिली सेकंड नहीं है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ 1000, तो ये मेरा मसला हल हो गया। अब मुझे इसको ना डेट ऑफ मंथ मुझे सही देनी चाहिए, 29 देना चाहिए, देखते हैं अब 29 देता है कि नहीं देता। हाँ देखो अब अलग अलग आ रहे हैं, 29 30 31, 1 2 3 तीन तारीख तक का मुझे अब आना शुरू हो गया। यहीं पे मेरे लॉजिक में मिस्टेक थी कि मुझे जो डेट मिली सेकंड में मिलता था वो सही नहीं था, वो सेकंड था, मिली सेकंड नहीं था। अच्छा फाइनली मेरे पास 5 एरे भी आ चुके हैं अब यहाँ पे, क्योंकि लॉजिक मेरी नीचे की सही थी, ऊपर में मिस्टेक था। अब पहला जो है ना, इसके अंदर 3-3 आवर के फ़र्क से कितना है, 8 बनते हैं ना, 8 है इसके अंदर, ठीक है, फिर दूसरे में भी 8 है, फिर तीसरे में भी 8 है। अब मुझे इसका क्या करना है, इन 8ों का एवरेज निकालना है डिस्प्ले करवाने के लिए, क्योंकि कार्ड तो एक है मेरे पास, एक दिन के लिए एक कार्ड है, एक दिन का एक कार्ड है, तो मुझे सबका एवरेज निकाल के उसको 0 पे लाना है, मतलब एक डिजिट का एक पे लाना है उसको, मैंने सही है। अच्छा इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ ये कोड कैसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो सबसे पहले मुझे डे वाइज करके ना एक नया एरे बनाना है जिसके हर इंडेक्स पे आज का ही हो, सिर्फ पहले इंडेक्स पे आज का सारा हो, दूसरे इंडेक्स पे कल का हो, फिर उसके इंडेक्स पे उसके अगले दिन का हो, ऐसे हो।
अच्छा डेट ऑफ मंथ मैंने कंपैरिजन के लिए अलग किया है, शुरू में नल रखा है कि जाहिर है पहला आइटम उठाऊंगा उसका डेट यहाँ सेव करवा लूँगा, फिर उससे कंपेयर करता रहूँगा कि अब अगला डेट आएगा तो अगले इंडेक्स पे मूव करने के लिए। काउंटर मैंने इसलिए लगाया है कि जीरो का बाय डिफ़ॉल्ट शुरू में, उसके बाद वन, फिर उसके बाद टू, इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा यहाँ से ना। अच्छा अच्छा शायद मुझे ये लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने ऐसे ही लगा दिया बिला वजह, इसके बगैर भी ये कम्प्लीट है। वेल तो पहली दफ़ा में क्या होगा, डेट ऑफ मंथ पहली दफ़ा में क्या है, शुरू में नल है, तो जो भी कुछ होगा उससे मैच नहीं करेगा, ये मैच नहीं करेगा तो काउंटर में प्लस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जीरो पे आ जाएगा। और मैंने अभी की जो डेट थी वो कहाँ सेव करवा ली, यहाँ सेव करवा ली अगले लूप में कंपैरिजन के लिए, राइट, सेव करवा लिया मैंने। और उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो भी काउंटर में उसके अंदर पुश कर दो इस वाले आवर को, इससे सिंपल ये मजीद हो नहीं सकता था शायद, अगर किसी को पता है तो बता देना कि कैसे हो सकता है इससे सिंपल। और अच्छा ये मैंने इसलिए लगाया है कि डे वाइज जो है, क्योंकि नेस्टेड लूप होने जा रहा है, ये मैट्रिक्स के टाइम पे भी हमने देखा था कि अगर एक सिंगल डायमेंशन लूप है उसके इंडेक्स जीरो पे पुश कॉल करूँगा तो वो जाता नहीं है, इंडेक्स जीरो पे पुश कॉल करूँगा क्योंकि इंडेक्स जीरो अनडिफाइन है, तो इसलिए इंडेक्स जीरो अनडिफाइन के लिए वो नल चेक लगाया था मैंने, सही है। तो कुल मिला के बात ये है कि डे वाइज करके मेरे पास एक एरे आ गया। अब इस डे वाइज को मैंने क्या करना है, डे वाइज पे दोबारा क्या करना है, मैंने नेस्टेड लूप चलाना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि डे वाइज डॉट मैप, अच्छा नेस्टेड लूप भी आखिर आखिर तक चलाना है मैंने, सही है, आखिर आखिर तक चलाना है मैंने। अच्छा और मैंने कहा कि भाई उस सबका एवरेज निकाल के सीधा करना है उसको, मैंने कहा ईच डे, सही है, डे वाइज पे जब मैं मैप चलाऊंगा तो ईच डे मिलेगा, और ईच डे क्या है खुद भी ये कह रहे हैं, डॉट मैप एक और चला दिया मैंने उसके ऊपर। डे वाइज के अंदर जो मैंने रखा है ना ये वाला, ये एक आइटम जो है ईच डे में मुझे ये मिल रहा होगा पूरा। अच्छा इसको मैं एक लूप में भी कर सकता था लेकिन मैंने दो लूप में इस वजह से किया है, एक लूप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये मतलब वहीं हाथ के हाथ भी मैं उसको प्रोसेस कर सकता था, बजाय इसको पुश करवाने के ना मैं हाथ के हाथ भी प्रोसेस कर सकता था यहीं पे ही, लेकिन मैंने इसलिए उसको दो दफ़ा में करवा रहा हूँ ताकि वो थोड़ा क्लियर रहे कि वो क्या रहा है। अच्छा ईच डे के ऊपर मैंने जब लूप चलाऊँगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, ईच आवर यही मिलेगा ना मुझे, ईच आवर मिलेगा इसके ऊपर मुझे। अब मुझे ईच आवर को क्या करना है, ईच आवर आठ इंडेक्सेस हैं, ईच आवर यानी आठ ईच आवर मिलेंगे, उसको मैंने एक पे लाना है, जीरो करना है, आठों का एवरेज निकाल के उसको मैंने क्या करना है, एक करना है। अब ये काम कैसे होगा, कैसे, ये तो एक दफ़ा जिस आइटम से गुजर गया उससे दोबारा थोड़ी आएगा ये, बताओ कैसे बनाए, ऐसे नहीं होगा, कैसे निकलेगा इसका एवरेज, ऊपर वेरिएबल बनाया तो वो तो भाई नेस्टेड लूप है ना, एक आठ दफ़ा अलग चलेगा फिर अगला आठ अलग चलेगा। फॉर ईच के लूप, अभी मैप भी फॉर ईच ही है, करेंगे क्या अंदर ये भी तो बताओ, अभी 104 पे एक वेरिएबल बनेगा। मुझे असल में ईच डे के ऊपर ना, मुझे ईच डे पे जब लूप चलाता हूँ तो आठ आइटम मिलते हैं हर दिन में मुझे, तो मुझे कोई ऐसा लूप चलाना है कि जिसमें इससे पहला वाला भी मिले मुझे, मुझे कोई ऐसा लूप चलाना है कि इससे पहले वाला भी मुझे मिले, ताकि उसी से मैं प्लस माइनस कंपैरिजन कुछ करूँगा ना। इसके अंदर फॉर का लूप कैसे चलेगा, मैप हटा के ही फॉर लगाऊंगा फिर तुम्हें, समझ आ रहा है ये प्रॉब्लम, समझ आ रही है प्रॉब्लम, ये है, चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। ईच डे जो है ना वो ये एक एरे है, सही है, यहाँ पे आर्ट है, आर्ट और ये आठों के आठों क्या है,
एरे नहीं है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा लिखा हुआ है। अगर प्लेन टेक्स्ट वाला एरे होता फिर तो मसला ही नहीं था। प्लेन अगर डायरेक्ट उसके अंदर नंबर लिखा हुआ होता एरे में तो फिर तो मसला नहीं था, फिर तो मैं रिड्यूस कॉल करता ठक करके सारे काम हो जाते। इसमें हर के हर एक के अंदर ऑब्जेक्ट है ना भाई, हर एक के अंदर ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि मिन और मैक्स कैसे हो जाएगा, यही तो पूछ रहा हूँ। अब मुझे एक अच्छा इसके नीचे फिर एक दूसरा भी है ऐसा, मुझे इन सब का एवरेज निकाल के जीरो पे एक पे लाना है, इन सब का एवरेज निकाल के एक पे लाना है, फिर इसके नीचे एक तीसरा है इन सब का एवरेज निकाल के एक पे लाना है, मुझे ये करना है, बताओ कैसे करेंगे। पकड़ में तो आ गया, ये ईच आवर में ना मुझे ये एक इतना मिलेगा, ये इतना थ्री, तो मैं ईच आवर डॉट करूँगा ना, ईच आवर डॉट में लिखूँगा, क्या आता था मेरे पास नाम उसका, ईच आवर के अंदर मेरे पास आता है डॉट वेदर, ईच आवर डॉट वेदर नहीं, ईच आवर डॉट मेन डॉट टेम्प, हाँ तो मिल तो गया लेकिन अब उसको प्रोसेस कैसे करेंगे, ईच आवर डॉट मेन डॉट टेम्प ये मुझे मिल गया एक, क्या भला टेम्परेचर मिल गया जो हर तीन घंटे के फर्क से आ रहा है ना, ये कंसोल डॉट लॉग 40 दफ़ा चलेगा, अगर ये कंसोल डॉट लॉग चलेगा ना तो 40 दफ़ा चलेगा ये, लेकिन मुझे ये वाला, ये तो मैंने प्रिंट करा दिया, फिर मैंने ये प्रिंट करा दिया, फिर मैंने ये प्रिंट करा दिया, अब लेकिन मुझे इन सब का एवरेज निकालना है, मसला ये एवरेज निकालने के लिए तो मुझे पूरे नंबर को पहले प्लस करना होगा फिर आखिर में उसके टोटल से डिवाइड भी करना होगा, कैसे होगा वो अभी ये तो छोटी सी वेदर ऐप है, करने को तो मैं धड़ाधड़ करता चला जाऊँ लेकिन मसला ये मैं सोचने का टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि थोड़ा हौले हौले चलो। फॉर ईच के लॉक मैं करूँगा क्या, ये भी तो फॉर ईच और मैप में एक ही बात है, फ़र्क नहीं है कोई, कैसे तोड़ते जाएंगे कोड बताओ ना भाई। ये मेरे पास फॉर ईच का लूप है, ईच आवर आ गया मेरे पास, ईच आवर को मैंने प्रिंट भी करवा दिया, अब करूँ क्या इसका मैं आगे, अगली दफ़ा भी प्रिंट हो जाएगा, इसको क्या करूँ मल्टीप्लाई करूँ प्लस करूँ हैं, हाँ वैल्यू तो चेंज होगी प्रिंट भी हो गई वो, अब करेंगे क्या, एक नया एरा बनाना पड़ेगा, ये तो बात समझ आ गई ठीक है ना, असल में इस एरिया में कुछ भी नहीं कर सकता मैं, मुझे एक नया एरिया बनाना पड़ेगा, सही है, अब नए एरिया में करूँगा क्या मैं, एरे डॉट लेंथ से डिवाइड कर देंगे, यही तो इतनी सिंपल बात पूछ रहा हूँ कब से भाई, एवरेज निकालने के लिए मुझे यही करना होगा ना कि इन सारे नंबरों को मैं प्लस करूं आपस में और एक नया एरे प्रोड्यूस कर लूं, और जब वो पूरा लूप ख़त्म हो जाए तो उसको उस नंबर से डिवाइड भी कर लूं मैं, यही तो करना है मुझे और क्या करना है, इतनी सिंपल सी बात है, समझ आया ये क्या बोला इसने। देखो भाई मेरे पास अभी ये एरे मौजूद है, मैं इस थ्री को पकड़ूं, इस थ्री को पकड़ूं, इस थ्री को पकड़ूं, इस थ्री को, और सबको सम करता जाऊं और एक दूसरी जगह सेव कराता जाऊं, और जब लूप पूरा चल के ख़त्म हो जाए तो उस एरे की जो लेंथ थी, एरे ओरिजिनल एरे को तो नहीं छेड़ रहा ना मैं, लेंथ तो मेरे पास है, मैं बाद में उतनी लेंथ से उसको डिवाइड कर लूँगा तो मेरा वो हो गया मसला हल। वेरिएबल कौन सा बनाया है, हाँ डे वाइज सम, ठीक है, डे वाइज सम को मैंने क्या रखा, एम टी एरे रख लिया, मैं पहले क्या बनाया था, मैंने बनाया था डे वाइज, अब मैं बना रहा हूँ डे वाइज सम, ठीक है, नहीं अभी सिंपल रखने के लिए मैं तीन कर रहा हूँ, वैसे तो मैं एक लूप में ही कर देता फिर वो समझ में भी नहीं आता, मेरे को खुद भी समझ में नहीं आता बाद में वो क्या कह रहे हो, नहीं एरे नया बनाने में क्या मसला है, एक बार वो लॉजिक बन जाए तो फिर रिड्यूस भी कर सकते हैं लॉजिक को, सही है उसमें कोई मसला नहीं है।
अच्छा, अब एक प्रॉब्लम और भी है, एक प्रॉब्लम और ये है कि जब ये ईच आवर मुझे मिलेगा ना इसमें, तो मुझे इससे पिछले वाला आइटम इसमें नहीं मिलता है। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इसके पिछले वाला क्या था, जब ही तो दो को प्लस करेंगे ना। तो इसके लिए एक चीज़ होती है रिड्यूस, इस पर मैप नहीं चलेगा, इस पर चलेगा रिड्यूस। हाँ, रिड्यूस बहुत अच्छा सवाल है कि रिड्यूस क्या करता है। रिड्यूस में आपको अभी वाला भी मिलता है, इससे पीछे वाला भी मिलता है। हाँ अरे भाई, रिड्यूस दिखा देता हूँ मैं जी। नहीं नहीं, ये ज़्यादा बेहतर है रिड्यूस। ये देखो रिड्यूस कैसे चलता है, गौर से इसको देखो। एरे डॉट रिड्यूस, ये बिल्कुल मैप की तरह चलता है, लेकिन प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू भी चलती है, प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू भी मिलती है। अच्छा, पहली दफ़ा जब चलेगा पहले आइट्रेशन में, तो प्रीवियस वैल्यू में क्या मिलेगा, वो तो पहला ही आइटम है, तो करंट वैल्यू में तो वो पहला वाला मिल जाएगा। प्रीवियस में क्या मिलेगा, वो आप खुद से पास करते हैं, यहाँ पर खुद से पास करते हैं कि पहली दफ़ा जब चले तो प्रीवियस में क्या होना चाहिए, इनिशियल वैल्यू आप खुद से पास करते हैं। तो मुझे ये करना है पूरा इसमें, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू कॉमा करंट वैल्यू। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा करंट ईच आवर, सही है, और यहाँ पे मैं बोल दूँगा इसको प्रीवियस, प्रीवियस ईच आवर, सही है, करंट ईच आवर, सी यू डबल ई एन टी। ये प्रीवियस हो गया, ये करंट हो गया, ऐसा ही था ना, पहले प्रीवियस था उसके बाद करंट था, और लास्ट में यहाँ पे कॉमा डाल के मुझे क्या देना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा जो पहली दफ़ा में मुझे कहाँ मिले, प्रीवियस में मिले, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें मेन पकड़ता हूँ मैं, ठीक है, मेन के अंदर क्या पकड़ता हूँ मैं, टेम्प ज़ीरो। तो ये मैंने शुरू से हाथ से दे दिया शुरू में, कि भाई शुरू में मुझे ये दे देना, सही है, मैंने एक ऑब्जेक्ट हाथ से बना के दे दिया कि भाई शुरू में मुझे क्या दे देना, टेम्प में ज़ीरो दे देना, कि वो ज़ीरो से प्लस करता रहूँगा फिर मैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने प्रीवियस ईच आवर में से ये करना है, और करंट ईच आवर में से भी यही चीज़ करनी है मैंने। रिड्यूस पहले पढ़ चुके हो तुम लोग भाई, इधर हमें क्या बात कर रहे हो। ठीक है, प्रीवियस में जो टेम्प है और जो करंट में जो टेम्प है, ये दोनों मुझे मिल गया। अब मैं इजीली दोनों को सम करके एक तीसरे एरे में रखवा सकता हूँ, राइट, रखवा सकता हूँ ना, नहीं रखवा सकता हैं? अब एक तो तुम लोगों को घर भी जल्दी से जाना होता है, 15 मिनट और लगेंगे हमारे ये करने में, आज बैठे हुए हो ना, सही है। अब ये दोनों चीज़ मुझे मिल गई, अब ये दोनों चीज़ मिलने के बाद इन दोनों को मुझे प्लस करके तीसरे में, ये मैं यही कह रहा था कि टाइम डेट की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोगों की, ठीक है, तो टाइम डेट की भी हो गई, थोड़ी लूप की भी प्रैक्टिस हो गई। अब ये कोड मैं पुश नहीं करूँगा आज, ये देख रहे हो ना, इस तरह घर जाके बनाना, ये कोड में करो ना, थोड़ा दिमाग का चक्कर घुमाओ, थोड़ा धार लगाओगे दिमाग को तो तेज़ होगा ना दिमाग, सही है, ये कोड मैं पुश नहीं करूँगा, ये देख लिया ना तुम लोगों ने अप्रोच क्या कर रहा हूँ। अब भाई सबसे सिंपल अप्रोच है ये, तो मुझे ये दोनों चीज़ मिल गई ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा सम इक्वल्स टू प्लस, दोनों में प्लस करवा लिया। अच्छा, दोनों मुझे स्ट्रिंग की फॉर्म में भी मिल सकता है दोनों, तो जस्ट इन केस इसको मैं क्या करूँगा, दोनों को नंबर में कन्वर्ट कर लूँगा प्लस करवाने से पहले, ठीक है, जस्ट इन केस कि अगर कभी मुझे ये क्या मिल जाए, कोई नंबर के अलावा कुछ और मिल जाए। तो मैंने कहा लेट सम क्या करवा दिया मैंने, ये करवा दिया। अच्छा, ये मैंने किसका करवाया, टेम्प का, ये मैंने सिर्फ टेम्प का करवाया, मुझे तीन चीज़ें चाहिए थी ना इसमें, टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम, तीन चीज़ें चाहिए ना मुझे, तो टेम्प मिन और टेम्प अंडरस्कोर मैक्स, टेम्प मिन और टेम्प मैक्स। ये शुरू में मैंने इनिशियल वैल्यू में पास करना पड़ेगा, मुझे जो जो चीज़ें मैं पकड़ता हूँ ना वहाँ पे, वो मुझे यहाँ पास करनी पड़ेंगी, ठीक है।
ठीक है। अच्छा तो इसका मैं नाम क्या कर लेता हूँ, सम टैम, उसके बाद सम मिन टैम और सम मैक्स टैम, सही है। मैंने तीनों का नाम कर लिया चेंज, मिन टैम मैक्स टैम, सही है। तीनों को मैंने सम कर लिया, पिछली वाली वैल्यू और अभी वाली वैल्यू, तीनों की मैंने सम कर ली। अब मुझे क्या करना है, जब ये ख़त्म हो जाए आखिर में आ जाए तो मुझे क्या करवाना है, उससे एक नए एरे में उसको सेव करवाना है। लेकिन जो रिड्यूस की अच्छी बात क्या है कि रिड्यूस खुद से क्या करता है, एक आखिरी एरे बना के रिटर्न करता है। रिड्यूस क्या करता है, खुद से एक आखिरी एरे बना के रिटर्न करता है। तो मुझे करना है क्या, असल में मुझे यहाँ से रिटर्न करवानी है एक वैल्यू, ठीक है, रिटर्न करवानी है मुझे एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देख भी लेते हैं कि रिटर्न में ये बोलता क्या है, कि रिटर्न में ये क्या दे रहा होता है। जैसे ये सारे एरे हैं ना, तो जब ये एरे डॉट रिड्यूस कॉल किया मैंने, तो ये जो सम इनिशियल है ना, इसमें सिंगल नंबर एक आ रहा है मेरे पास, इसमें क्या आ रहा है, सिंगल नंबर आ रहा है। और यहाँ से जो भी चीज़ रिटर्न करते हैं ना, वो फिर अगले इनिशियल में मिलती है मुझे, ये चक्कर है इसका। तो अगर मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बना के पूरा रिटर्न करूँ, क्या बना के रिटर्न करूँ, ये वाला, तो मुझे अगले में यही मिलेगा। लेकिन मुझे टेम्प के अंदर क्या देना है, सम देना है इसका, सही है। मिन टेम्प के अंदर मिन सम देना है, सही है, और इसमें ये सम देना है। और ये जब रिड्यूस चल के ख़त्म होगा ना, तो ईच डे के अंदर क्या होगा, ईच डे के अंदर ये नेस्टेड होते थे ना, आखिर में सिर्फ एक बचेगा। ये जो इतने सारे हैं ना, जब ये चल के ख़त्म होगा तो सिर्फ ये बचेगा आखिर में, समझ रहे हो, समझ आ रहा है ना। ये रिड्यूस का काम ये है, ये सबको सम करेगा, माइनस करेगा, जो भी आखिर में एक बचाएगा लागे, ठीक है। तो ये जो रिड्यूस पूरा है ना, ये रिड्यूस पूरा रिटर्न करेगा मुझे, तो मुझे जो भी चीज़ रिटर्न करेगा उसको मैं यहाँ से वापस रिटर्न करवा दूंगा, तो ये मैप से रिटर्न हो जाएगा। मैंने कहा डे वाइज इक्वल्स टू डे वाइज डॉट मैप। मुझे जो ये वाला जो है, इसको एरे था ना, ये एरे से अभी एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से रिटर्न करवा दिया मैप में से, और मैप से जो चीज़ रिटर्न होती है वो क्या होता है, वो उसका मॉडिफाइड पार्ट होता है ना। जब मैप चलता है तो वो क्या रिटर्न करता है, वही एरे रिटर्न करता है जो पहले था, लेकिन उसका मॉडिफाइड पार्ट जो आप रिटर्न पे लिखते हैं वो आता है। मैप का ये बिहेवियर पता है ना, ये मैप सिर्फ लूप नहीं चलता। मिसाल के तौर पे एक एरे था, मैंने उस पर मैप चलाया और मैंने हर इंडेक्स पे जाके उसके बोला कि करंट वैल्यू को मल्टीप्लाई टू और रिटर्न, तो वो पूरा मैप जब ख़त्म होगा ना, तो वो एक नया एरे रिटर्न करेगा जिसमें क्या हो चुका होगा, वो सारी टू से मल्टीप्लाई हो चुकी होगी। हम एग्जांपल में कर चुके हैं, जब हमने मैप पढ़ा था तो उस एग्जांपल में हमने ये किया था कि एक एरे लिया था, उसके तमाम नंबरों को टू से मल्टीप्लाई करके देखा था, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपका रिकॉल हो गया, अगर किसी ने वो क्लास मिस कर दी थी तो ज़रा देख लीजिएगा वो, बल्कि मैं एक नंबर देख भी लेता हूँ यहाँ पे ना, मैप मैप मैप, हाँ एरे मैपिंग, ये देख रहे हो रिटर्न, ये रिटर्न हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये देख रहे हो रिटर्न क्यूब निकाला था हमने, मल्टी एक एरे के ऊपर घूमे थे और उस घूम के हर आइटम को उसका क्यूब कन्वर्ट कर दिया था। ES6 में ES रिटर्न के बगैर क्यों चलेगा, वो सिंगल लाइन का होगा जब चलेगा। सिंगल लाइन अगर होगा ना तो रिटर्न लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लगा देना बेहतर है मेरा ख्याल है। तो ये डे वाइज को ना ये मैं प्रिंट करवा लेता हूँ नीचे, ये पूरा चलने के बाद यहाँ पे मैं कॉन्सोल डॉट लॉग को प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूँ फाइनल और कॉमा डाल के डे वाइज, कि फाइनल में ये क्या प्रिंट होता है पता चल जाए ना हमें। फाइनल के अंदर मुझे देखो क्या मिला है, एक एरे मिला है जिसके हर आइटम में क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है। तो मुझे पांच ऑब्जेक्ट मिल गए असल में, सही हो गया ना ये काम, पांच ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे, ठीक है। लेकिन अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, टेम्प के अंदर 2000 पहुंचा हुआ टेम्परेचर,
मुझे 2000 पे पहुंचा हुआ है टेम्परेचर, मुझे एक दफ़ा और लूप चला के ना क्या करना पड़ेगा ओरिजिनल वाले से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ वो काम भी कर लेते हैं। तो लेंथ भी हमें कहीं ना कहीं सेव करवानी पड़ेगी, लेंथ हमने सेव नहीं करवाई है असल में। एक काम करते हैं ना, ये जो हमने पूरा बनाया ना ये ऑब्जेक्ट पूरा मेन के साथ, इसमें हम कॉमा डाल के लेंथ भी एक लगा देते हैं। लेंथ में हम क्या लगा देते हैं, मैं कह देता हूँ ईच डे डॉट लेंथ, ठीक है। मतलब सम को सेव करा रहे हैं साथ में लेंथ भी सेव करा लिया हमने। तो अब बहुत ही सिंपल एक लूप और चलाएंगे हम, उसको लेंथ से डिवाइड वाइड मार के भी हम सीधा कर देंगे, ठीक है। लेंथ को भी सेव करा लिया, तो अब होगा क्या मेरे पास, इसको मैंने क्लियर किया, रिफ्रेश किया, और यहाँ पे फाइनल में मुझे जो चीज़ मिली है ना, फाइनल में मुझे 5 ऑब्जेक्ट मिले हैं। पहला ऑब्जेक्ट मैंने खोला, उसके अंदर टेम्परेचर हुआ है 2000, सही है, लेकिन साथ में क्या आया हुआ है, लेंथ नहीं आई, हाँ लेंथ 8 आई हुई है ना। तो इस 2000 को मैंने क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है, ये मुझे पता है, ठीक है। फिर अगले दिन को खोला मैंने, अगले दिन को खोला, इसमें टेम्परेचर हुआ हुआ है 2400 इसमें भी, तो इसको भी 8 से डिवाइड करना है। आखिरी वाले में कुछ कम होगा, 7 होगा, अच्छा आखिरी में भी 8 है यार, इसमें भी 8 है, किसी एक में कम होना चाहिए था भाई, दादा किसी एक में कम, आज पहले दिन में कम होना चाहिए था, राइट। इससे पीछे वाले में मुझे देखना पड़ेगा कि आज के दिन में कितने वो आए हैं, ये 8 है ना, 8 के अंदर आज के दिन वाले कितने हैं, पहला 29, 8 29, दूसरा 8 30, अच्छा पहले में तो सिर्फ एक आना चाहिए था 8 29, हमने कहीं लॉजिक में मिस्टेक की है पीछे, क्योंकि आज के दिन का तो एक ही आ रहा है, ये दिखा रहा है आज के दिन का 5 अभी लॉजिक में कहीं मिस्टेक है हमारे भाई दादा। अभी मैंने इतने सारे कंसोल, पता नहीं किस चीज़ को कंसोल करवाया, ये मैंने लिखा नहीं है साथ में कि क्या कंसोल हुआ, ये क्या कंसोल करा दिया मैंने, अच्छा डे वाइज मैंने करवाया है, नहीं डे वाइज इसके साथ लिख देता हूँ मैं, डे वाइज है ये, डे वाइज तो ये प्रिंट हुआ है ना, उसके बाद हुआ है ये वाला, डे वाइज के बाद इस जगह पे हुआ, अच्छा ये कंसोल डॉट लॉग जो मैंने यहाँ करवाया था कि आगे वाले और पीछे वाले दोनों, अच्छा ये जो फाइनल मेरा जनरेट हुआ है ना, इसमें कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक की है, क्योंकि इसमें पहले वाले में ना सिर्फ एक आना चाहिए, जो डे वाइज है ना, ये डे वाइज में पहले वाले में सिर्फ एक आना चाहिए जो कि 29 है, जो वो आना चाहिए, दूसरे वाले में 30 है, तो ये दूसरे एरे में जाना चाहिए था, अभी भी कहीं मिस्टेक है हमारे पास। ये जो मैंने डे में कन्वर्ट किया ना, कहाँ गया वो, डे में जो कन्वर्ट कर रहा हूँ, हाँ रिफ्रेश करना, मतलब हाँ, तो पूरा कोड दोबारा चलेगा ना, उसका इनर HTML 0 करके या वो सारे नॉट डिलीट करके, नॉट डिलीट कर सकते हैं आप, आपने कहा कि बॉडी के अंदर जितने भी नॉट हैं सारे डिलीट कर दो, कर सकते हैं, डिलीट करने का भी तो बताया है बुक में उसमें, हाँ डॉट डिलीट, डॉट डिलीट, और उसमें चिल्ड्रन सारे पास कर दो, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने डेट ऑफ मंथ निकाला है ये 1000 से डिवाइड करके, इसमें अभी भी कोई मुझे मिस्टेक लग रही है, इसको ज़रा प्रिंट करवा लेते हैं कि इसमें आ रहा क्या है, अच्छा
30 करके 8 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? 29 खत्म हो गया, 11:30 हो गया ना? नहीं 29 खत्म हुआ ना, 29 उसमें आ रहा है, एक तो उसमें तो 29 आ रहा है। 29 का सर अभी अपने यार आपको अभी दे रहे हैं, ये देखो ना लिस्ट में पहला 29 है ये रहा। अच्छा इसी पॉइंट पे आके ना मुझे लगता है मूवमेंट जीएस कहीं ना कहीं बेहतर है। एक काम करते हैं डेट टैक्स में देते हैं, मुझे लग रहा है मिली सेकंड वाला बिल्कुल ही बेकार है, कुछ मिली सेकंड में और भी एक जीरो शायद लगेगा, पता नहीं क्या होगा, मिली सेकंड वाले में कुछ मसला लग रहा है मुझे। टेक्स्ट वाला देख लेते हैं, देखिए इसको ना _TXT यही था ना उसका, क्योंकि 29 तो एक है लिस्ट में, ये मुझे तीन तीन क्यों दिखा रहा है? अब देखो 29 एक आया है, टेक्स्ट वाले से इसने सही पकड़ा है। मतलब क्या था कि मेरा जो मिली सेकंड है ना वो अभी भी गलत है, उसमें अभी भी कोई मसला है, या तो मिली सेकंड वो दे रही गलत है जो कि पॉसिबल नहीं है, या तो मुझे एक जीरो शायद और लगाना था। ठीक है तो टेक्स्ट में सही पकड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कंट्रोल जेड करके जो मेरा मिली सेकंड था उसको मैं क्या करवाता हूँ, दोबारा से कंसोल करवाता हूँ और उसको चेक करता हूँ कि उसमें 13 डिजिट पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 13 डिजिट पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 11 12 13, अच्छा 13 तो हो जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद वो मिस्टेक क्यों कर रहा है, ये क्या बकवास है? इसके अंदर तो गड़बड़ है वाकई में, ये देख रहे हो यहाँ पे इसने क्या टाइम दिया, ये 92 दिया है और यहाँ पे ये 0 है, फिर उसके बाद ये दोबारा नहीं, ये मिली सेकंड में कोई मिस्टेक है उनकी साइड से ना, हमें वो टेक्स्ट वाले पे जाना पड़ेगा। जाने दो, कोई इमरजेंसी होगी कुछ काम होगा, तुम तो उसके पीछे ही पड़ गए बिल्कुल। अच्छा तो अब देखो फाइनल में 6 आया है, अब सही है पहले वाले की लेंथ 1 है, तो अब मुझे क्या मिला है यहाँ पे मेन के अंदर जो लेंथ लगाई थी वो 1 मिली है मुझे, अब मेरे पास कुछ सही डेटा आना शुरू हो गया। ठीक है अच्छा 229 क्योंकि ये केल्विन में मैंने मंगवाया हुआ इसलिए 229 है। उसके लिए क्या देना होता है इसमें, यूनिट्स क्या देना होता है बताओ, याद है किसी को? है अबे 273 नहीं है, यूनिट्स इक्वल टू करके होता है ना मैट्रिक्स, वो हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट्स में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा हूँ लेकिन मैट्रिक्स ही था शायद वो, नहीं वो देख लेते हैं ना ओपन वेदर में। ओपन वेदर मैप API चल जा भाई, इसने भी चलने से मना कर दिया आज तो, यहाँ पे API docs पे गया और API docs पे जाने के बाद यूनिट्स इक्वल टू स्टैंडर्ड मैट्रिक और इम्पीरियल राइट, तो मैट्रिक में S नहीं था मैंने S लगा दिया, METRIC है ना। अब देखते हैं इसको क्या रिपोर्ट है इसकी, सही है 26.72 सही आ गया बिल्कुल। अब ठीक है अगले दिन वाले में 220 पे पहुंचा हुआ है और ये डिवाइड होगा 8 से, तो ये डिवाइड मैं कब करवा लूँगा इसको, डिस्प्ले करवाते हुए भी डिवाइड करवा सकता हूँ, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं एरे में ही सेव करूँ उसको डिवाइड करवा के, मुझे लेंथ क्योंकि पता है तो मैं क्या करूँगा उसको डिस्प्ले करते हुए डिवाइड करवा लूँगा। नहीं यहाँ पे लेंथ से डिवाइड मैं करवा नहीं सकता, उसका रीज़न ये है ये पूरा सम जब आखिर तक होगा ना फिर होगा, रिटर्न कराना अभी अगर ये पहली आइट्रेशन चल रही है तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, वो पता चल जाएगा ना पहली आइट्रेशन पता चल जाएगा। तो वेल हमारा ये ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है फिलहाल, कुल मिला के बात ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया है तैयार हो गया है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ काम क्या करना है उसको डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर। डिस्प्ले कैसे करवाता था मैं,
मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं, चलो क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर करवा के मैंने कहा इसको कि क्या उठा के लाओ वाला, मेरे एचटीएमएल के पेज में था ना वो, आईडी दे देता हूँ इसको मैं, कहता यही आईडी दे देता हूँ जो इसके क्लास का नाम है ना वही आईडी दे देता हूँ। मैंने कहा फोरकास्ट डिव उठा के लाओ, फोरकास्ट डिव उठा के लाओ हैश करके, ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, फिलहाल अभी इनर एचटीएमएल देते हैं इसको कि ये उस पर क्या बिहेव कर रहा है, उसके बाद फिर डॉम वाले पे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इनर एचटीएमएल में मैंने क्या दिया इसको, ये पूरा एचटीएमएल उठा लिया, राइट, यही करना था मुझे, इनर एचटीएमएल पूरा उठाया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हाँ स्लो होता है लेकिन ये, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अच्छा ये ट्यूसडे की जगह मैंने डे लगाना है, ये मिन की जगह मैंने क्या लगाना है, मिन लगाना है, और मैक्स की जगह मैंने मैक्स लगाना है, ठीक है। और ये काम मैं किस पे कर रहा हूँ, लूप में कर रहा हूँ, ठीक है, ये काम मैं किस में करूँगा, लूप में, क्योंकि डे वाइज इज अ इज स्टिल एन एरे, डे वाइज डॉट मैप, मैंने कहा ईच डे, और ये पूरा मैं उठा के कहाँ कर दूंगा, इसके अंदर कर दूंगा, ठीक है। अब जस्ट ये जब इसके अंदर हो जाएगा तो लास्ट में मैंने क्या करना है, इसको मैंने इनर एचटीएमएल हटा के और डिप कर देना है। तो मैंने कहा कि ईच डे मिन को सबसे पहले हटाते हैं, ईच डे डॉट मेन डॉट क्या था, टेम्प मिक्स टेम्प मिन, लेकिन टेम्प मिन को मैंने डिवाइड किससे करना है ये मुझे पहले से ही पता है, मैंने कहा ईच डे डॉट लेंथ से करना है, ठीक है। और सेम काम मैंने क्या करना है, मैक्स के लिए भी करना है, सही है, देखते हैं क्या रिपोर्ट है इसकी। अच्छा वो प्लस इक्वल्स नहीं लगाया मैंने इसलिए वो एक ही आ रहा है, सही है, ये सारा डिस्प्ले हो गया। अच्छा ये मिन और मैक्स जो है ना इसमें क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो 000 इसमें ऐड हो जा रहा है, इसको आपने कैसे सही करना है, मैथ डॉट फ्लोर से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, कैपिटल एम से होता है ना मैथ, कैसे होता है यार मैथ, मैथ डॉट फ्लोर, और आप लास्ट में जाके इसको बंद करेंगे फिर, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर से क्या होगा, वो ज़ीरो उसके जो आ रहे हैं ना एक्स्ट्रा वो हट जाएंगे, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया, अब ये ट्यूसडे को ऐसे मिलेगा मुझे, अब ये ट्यूसडे मुझे ऐसे मिलेगा कि जो भी डेट है उसको मैं मोमेंट में कन्वर्ट करूँगा, मोमेंट में कन्वर्ट करके गेट डे कर लूँगा, तो उस तरह मुझे मिल जाएगा। लेकिन पीछे मैंने उसको प्रिजर्व नहीं किया, मैंने उसको ज़ाया कर दिया, इस पॉइंट पे मुझे उसको प्रिजर्व करना था, राइट, इस पॉइंट पे मैंने उस जो भी था मेरा अंडरस्कोर करके क्या मिलता था, डी टी अंडरस्कोर TXT मिलता था मुझे, इसको मैंने प्रिजर्व नहीं किया था, इसको मैंने ज़ाया कर दिया था, तो इसको मैं प्रिजर्व कर लेता हूँ, राइट। सही है, ईच डे डॉट, ठीक है, इसको मैं प्रिजर्व कर लेता हूँ ताकि मुझे लास्ट में ये डे भी, क्योंकि मुझे डिस्प्ले करवाना है ना, अब मेरे पास जो लास्ट में एरे आ रहा है उसके अंदर मुझे क्या मिलना चाहिए, फाइनल में मुझे ये डी टी अंडर स्कोर टेक्स्ट भी मिलना चाहिए, बड़े अनडिफाइन क्यों हुआ ये, अच्छा वो सही सही मुझे ना असल में ईच डे नहीं लगाना था, मुझे ये लगाना था, इसमें मैं गलत लगा गया ना, प्रीवियस ईच डे, प्रीवियस ईच आवर लगाना था, ठीक है, ईच डे तो उसका पेरेंट है, भाई अभी भी अनडिफाइन मिल रहा है, अच्छा प्रीवियस में मैंने फिर इनिशियल वैल्यू में उसको पास नहीं किया हुआ, करंट वाला लगाना पड़ेगा मुझे, हाँ चलो मिलना शुरू हो गया ये डी टी डॉट टेक्स्ट, सही है, ये डी टी डॉट टेक्स्ट मुझे हमेशा मिलेगा घर के अंदर, तो मैं क्या करूँगा इसको भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ लास्ट में जाके,
यहाँ पे जब मैं डिस्प्ले करवाता हूँ ये ट्यूसडे जो लिखा हुआ है, अब मैं ट्यूसडे को हटाकर यहाँ पे टेम्पलेट करूँगा, और टेम्पलेट करने के बाद क्या बोलूँगा मैं, ईच डे डॉट डॉट डी ए टी अंडर स्कोर टेक्स्ट था ना, क्या था, डी टी अंडर स्कोर टेक्स्ट। अच्छा ये डी टी अंडर स्कोर टेक्स्ट करने से क्या होगा, ये पूरी डेट सीधी सीधी डिस्प्ले करा देगा, लेकिन मुझे ऐसे नहीं करवाना, मुझे इसको बनाना है मूवमेंट, मूवमेंट बना के इससे मैं डेट गेट कर लूँगा। अच्छा जावास्क्रिप्ट से भी डेट गेट कर सकता हूँ मैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट से वो डे नहीं देता, वो 0 से लेकर 6 तक का एक नंबर देता है, तो मुझे एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है उसके लिए। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ जाओ मूवमेंट js.com, इसमें वो डॉट फॉर्मेट करके आ रहा होता है, वो बड़ा ईजी है, ठीक है। डॉट फॉर्मेट के अंदर मुझे क्या चाहिए, मंडे चाहिए ना, DDD 4 दफ़ा लिखूँगा तो मंडे मिलता है, और सिर्फ मॉन चाहिए तो वो कैसे मिलेगा। अच्छा तो लगा लेते हैं डॉट फॉर्मेट 3 दफ़ा, डॉट डॉट फॉर्मेट, सॉरी डॉट फॉर्मेट 4 दफ़ा को उठा के 3 दफ़ा करते हैं, देखते हैं फिर क्या रिपोर्ट है, ठीक है। ये मिल गया मुझे, मैं जावास्क्रिप्ट से करता ना तो मुझे 0 से 6 तक का एक नंबर देता है, उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है, मूवमेंट में ये इशू नहीं है, मूवमेंट ये काम खुद से करता है। अच्छा ये इनर HTML से फिलहाल ये काम हो चुका है, ठीक है। अब इनर HTML से ये काम हो चुका है, इसका मतलब ये डेटा जो डिस्प्ले कराता हूँ ना, इसके इशूज सारे मेरे हल हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसको मैं रोक दूंगा, अब इसको रोक के मैंने क्या करना है, यही काम जो है वो डॉम के मेथड से करना है, कर सकते हो ना, खुद से कर लोगे ना ये काम डॉम के मेथड से कर लिया, डॉम वाला काम कर लिया। अच्छा ये मैंने मैंने कहा लेट फॉरकास्ट डिव, इसका नाम रख लेता हूँ, मैंने कहा फॉरकास्ट डिव इक्वल टू, ये डिव उठा के ले आया, और फिर मैं क्या बोलूँगा, लेट डिव इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब इसके अंदर पहला एलिमेंट कौन सा डाला है मैंने, डिव, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिव, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट डिव हो गया, ये वाला डिव हुआ, सही हो गया। अच्छा इस डिव के अंदर क्लास है एक अदद, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, डिव डॉट सेट एट्रीब्यूट, मैंने कहा कि भाई क्लास और कॉमा, उसकी वैल्यू क्या है, फॉरकास्ट कार्ड, एट्रीब्यूट सेट हो गया, ये डिव मेरा तैयार है। अब इस डिव को मैं क्या कर दूंगा, मैंने कहा भाई फॉरकास्ट जो तेरी फॉरकास्ट डिव डॉट अपेंड चाइल्ड और ये डिव, ठीक है। तो अभी सिर्फ खाली डिव डाल रहा हूँ मैं, देखते हैं इतने से क्या होता है, रिफ्रेश किया मैंने, ये खाली खाली डिव आ गया। अब इसके अंदर के आइटम भी इसी तरह डलेंगे। अब ये डिव को जो मैं चढ़ाता हूँ ना इसके अंदर, जो यानी अपेंड करता हूँ जब, तो उससे पहले मुझे इस डिव के अंदर क्या डालना पड़ेगा, एक और डिव, एक इमेज, एक और डिव, एक इमेज, उसमें क्लास, उसके अंदर ईच, टेक्स्ट नॉट, यही करना होगा ना मुझे, समझ आ गया, आसान है। अबे 2 मिनट और लगेंगे, पूरे कर लेते हैं इसको, लेकिन टाइम वैसे बाय द वे वाकई में हम 40 मिनट ऊपर आ गए हैं क्लास से, 40 मिनट ऊपर आ गए हैं क्लास से। तो मेरा ख्याल है उसको हम यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको मैं कंप्लीट तो करी, कंप्लीट वैसे कंप्लीट करने लगा कुछ बचा नहीं है इसमें, पूरा ही हो गया, कोड पुश नहीं करूँगा मैं, ये देख लिया तुम लोगों ने, इसको देख के अपने मेहनत से बनाओ, वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, कोड अपने हाथ से लिख लो। हाँ ये तुम लोगों का एक और भी असाइनमेंट ऐड हुआ है, हम मात भाई ने कहा है कि यार ये जो स्क्रॉल जो है ना, स्क्रॉल के दोनों साइड पे बटन भी लगा लेना कि क्लिक से वो इधर जाए, ये तो आसान है, ये तो मुश्किल नहीं है, सही है। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में।